श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गो माता की जय। जय जय सीताराम। हरि ओम। तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतवारीशम् मसकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः।
ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे यो नित्यमच्युतपदां भुजयुक्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतो स्यदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये शाण्डिल्यावयवं शवारिदविधुं श्रीकोसलेसार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्यासहायाः बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा जोर से जय बोलो। खूब सवेरे से शाम तक जलपान नाश्ता भोजन चकाचक व्यवस्था सज्जन जी ने की है, इसके बाद भी भगवान का जय बोलने में और कीर्तन करने में कमजोरी, पूरी शक्ति के साथ श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय अवध धाम की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय सीता परीक्षा में तो आप पास हो गए जय बोलने में, अब कीर्तन करने वाले में देखते हैं कीर्तन कितने प्रेम से करते हैं। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि प्रभु भजन बिना भव पार नहीं, प्रभु भजन बिना भव
सर्वेश्वरेश्वर अयोध्यानाथ भगवान श्री सीताराम चंद्र जी, जिनकी वांगमयी मूर्ति श्री रामायण के माध्यम से भगवान की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के मुख्य यजमान श्री सज्जन कुमार जी अग्रवाल बरगढ़ वाले, सपरिवार सपरिकर, उनके समस्त बंधु बांधव, दूर दूर से अनेक प्रांतों से आए हुए श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फल स्वरूप श्री अयोध्या धाम में विराजमान होकर हम सभी लोग ज्ञान वैराग्य भक्ति की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्री रामायण के माध्यम से भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भाव से आप सभी ने संकीर्तन किया। भगवान नारायण का नाम अजामिल ने पुत्र के व्याज से, पुत्र के बहाने नारायण नाम का उच्चारण किया तो उसे परम गति की प्राप्ति हो। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम्। अजामिल का पुत्र नारायण दूर खेल रहा था, उसका नाम नारायण था। यमराज के दूत जब अजामिल को लेने आए तो अजामिल डर गया, बुलाया अपने बेटे को, नारायण बचाओ, ऐसे ही कहा होगा, नारायण बचाओ। और जगाद चतुरक्षर, चार अक्षर नारायण, इन चार वर्णों का उच्चारण किया तो भगवान नारायण के पार्षद आ गए और अजामिल की रक्षा हुई और अजामिल यम यातना से बच गया।
उसे सद्बुद्धि आ गई और फिर जो उसका शेष जीवन बचा था उस जीवन में उसने भगवान का भजन किया और इसी जीवन में सारे पाप से मुक्त होकर मरणोपरांत भगवान को प्राप्त हो गया। ये भागवत में कथा है, मूल कथा इतनी। भगवान नारायण के नाम का उच्चारण समस्त पापों का नाश कर, पुत्र के व्याज से बुलाया और उसका कल्याण हो गया। और आपने तो खूब श्रीमन्नारायण का कीर्तन किया, इसीलिए कीर्तन कराया। किसी भी बहाने भगवान का नाम मुख से निकले, भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, किसी भी प्रकार अगर मुख से नाम भगवान का निकले तो जीव का परम कल्याण होता है। भाई कुभाए अनख आलस भाई कुभाए अनख आलस नाम जपत मंगल किज दसहु नाम जपत मंगल किज दसहु भाई कुभाए का वर्णन है। भाव का वर्णन अर्थात अन्य समस्त कल्याण की जो विधा है, यज्ञ करने से कल्याण, तप करने से कल्याण, दान करने से कल्याण, लेकिन उन समस्त कल्याण के साधनों में भाव की आवश्यकता होती है। आप बहुत बड़ा यज्ञ करो लेकिन भाव शुद्ध नहीं है तो यज्ञ का फल नहीं होगा। दान करो लेकिन मन में अहंकार, कपट, प्रदर्शन, ये सारे भाव आ जाएं तो दान भी कल्याण नहीं करता। बड़ी बड़ी पूजाएं करो लेकिन उन पूजाओं में भी भाव न हो, प्रदर्शन ही रह जाए, तो उन पूजाओं से भी कल्याण नहीं होगा। समस्त कल्याण के साधनों में भाव का महत्व। तीर्थ में आओ और तीर्थ में भाव न हो तो तीर्थ में भी आने का कोई फल नहीं होता। लोग तर्क करते हैं कि गंगा स्नान करने से अगर जीव का कल्याण हो जाए, नास्तिक लोगों की बात मैं कर रहा हूं, कि गंगा स्नान करने से, पानी में स्नान कर लेने से उस नदी में जीव का कल्याण हो जाए तो उसी में तो मछलियां भी रहती हैं, उनका कल्याण क्यों नहीं होता। ये तर्क अक्सर लोग करते हैं कि भाई उसी नदी में मछली भी है, कछुआ भी है, अनेकानेक जीव हैं, अगर पवित्र गंगा सरयू में स्नान करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है तो पहले तो उन मछलियों को तर जाना चाहिए, और तरने के कौन कहे, उनको मरना पड़ता है, लोग मार डालते हैं, मार के खा जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ा कठिन तर्क लगता है कि आखिर इसका क्या उत्तर होगा। और इसका यही उत्तर है कि मछलियां उस तीर्थ में, उस नदी में, उस सरोवर में, उस पवित्र जल में रहती हैं, परंतु उनके अंदर उस पवित्रता का, उस तीर्थ की महिमा का भाव नहीं होता, इस कारण से उनका उद्धार नहीं होता। भाव नहीं इसलिए उनका उद्धार नहीं। आप तीर्थ में आओ लेकिन भाव नहीं तो तीर्थ में आने का फल नहीं मिलता। भगवान शंकर कहते हैं कि जायन्ते च जले स्वेव म्रियन्ते च जलौकसः, गंगा में ही वो पैदा होते हैं, वो जीव उसी में रहते हैं, और म्रियन्ते च मृजौकस, उसी में मरते भी। म्रियन्ते च जलौकसा, न गच्छन्ति चते स्वर्गम अशुद्ध मनसो नराः, लेकिन वो तीर्थ में, नदी में रहने वाले वो जीव मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते,
क्यों? बोले अशुद्ध मनसो यथा, उनका मन पवित्र नहीं हुआ, भाव नहीं हुआ। तो तीर्थ में भी, यज्ञ में भी, मंदिर में भी जाकर के भाव की शुद्धि हो तभी कल्याण होता है। लेकिन एक साधन भगवान का नाम, भगवान का नाम ऐसा साधन है कि इसमें भाव भी न हो तो काम चलेगा। बिना भाव के भी भगवान का नाम लो तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भाय कुभाय अनक आलस, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो, भाय कुभाय अनक आलस हो, भाय कुभाय भाव से कैसे भी भगवान का नाम मुख से उच्चरित हो तो जीव का कल्याण होता है। और उसमें भी भगवान नारायण का नाम, ये भगवान नारायण का नाम नारायण, ये असाधारण नाम है। श्री यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं कि नारायणत्वई न मृष्यति वैदिकः, नारायणत्वई न मृष्यति वैदिकः, कौन ऐसा वैदिक होगा, वेद की परंपरा का अनुपालन करने वाला कौन ऐसा वैदिक होगा जो आपके इस नारायण असाधारण नाम को सुनकर आपकी महिमा को और आपके परत्व को स्वीकार नहीं करेगा। बाकी जितने भगवान के नाम हैं उन नामों का अर्थ अन्य दूसरे देवताओं के पक्ष में भी हो जाता है। व्याकरण से, कोश से, धातु प्रकृति प्रत्यय के माध्यम से, तर्क से, किसी भी भगवान के नाम का अर्थ किसी भी देवता के अर्थ में आप घटित कर लो। अब जैसे गोपाल, तो कोई भी गऊ का पालन करे वो गोपाल हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। गोविंद, गाय की और गोपों की जो रक्षा करे वो गोविंद। तो ये अर्थ किसी भी देवता में आप घटित कर लो अपनी भावना के अनुकूल, काम चल जाएगा। शब्दों के अर्थ को, भगवान नाम में जो अर्थ है उस अर्थ को आप अपने इष्ट अपने देवता के पक्ष में अर्थ अनुभव करके घटित कर लो, काम चल जाएगा। शिव, शिव माने कल्याण करने वाला, जो कल्याण स्वरूप। शंकर, सम कल्याणम करोतीति शंकर, जो कल्याण करे उसका नाम शंकर, तो जो कल्याण करे वो भी शंकर। आप अपने इष्ट को, जिस इष्ट की उपासना करते हो उसको भी आप शंकर कहो, कोई आपत्ति नहीं, क्यों, बोले कल्याण तो कर ही रहा। तो सारे शब्द अपने अपने इष्ट के पक्ष में अनुभव किए जा सकते हैं काव्य कोश व्याकरण आदि की दृष्टि से। परंतु नारायण शब्द एक ऐसा विलक्षण शब्द है भगवान के समस्त नामों में, अनंत नामों में, जिसका अर्थ किसी के पक्ष में नहीं हो सकता, केवल भगवान नारायण के ही पक्ष में होता है। क्यों? बोले नारायण का अर्थ होता है नारम जलम, नारम जलम, नार माने जल, और जल में जिसका अयन है वो नारायण, ये अर्थ हुआ नारम जलम। और उस जल में, क्षीर सागर में, समुद्र में जिसका अयन है, घर है, जो क्षीर सागर में शयन करता है, उदधि शयन है, वो नारायण। आप कहो ये भी अर्थ हम कर लेंगे, एक नाव बना करके और जाकर के हम ही नदी में और समुद्र में सो जाएं, लेटे रहें और कहें कि हम ही नारायण। क्यों? बोले पानी में तो हमारा भी अयन बन गया,
ये अर्थ घटित हो जाएगा? बोले नहीं होगा। क्यों? बोले भगवान हरि को छोड़कर दूसरे के लिए अगर इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो नारायण होगा, नारायण नहीं होगा। नारायण में जो अंत में ना है वो ना ही रहेगा, ना नहीं बन पाएगा। व्याकरण के नियम से जब उसमें णकार, नकार को णकार होगा, वो तभी होगा जब भगवान हरि के पक्ष में उस शब्द का प्रयोग, तभी नारायण शब्द बनेगा, नहीं तो नारायण शब्द बनेगा ही नहीं, नारायण शब्द की निष्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए यमुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि नारायण त्वयि न मृष्यति वैदिक कहा। कौन ऐसा वैदिक होगा जो आपके नारायण असाधारण नाम को सुनकर आपके परत्व को स्वीकार नहीं करेगा, आपके परत्व को समझेगा नहीं। अर्थात नारायण नाम परतत्व का सूचक है, भगवान नारायण। ये शब्द केवल भगवान के प्रयुक्त होता है। अन्यत्र एक बड़े विद्वान थे, अब नाम नहीं लेंगे उनका, बहुत बड़े विद्वान थे, शताब्दियों पूर्व हुए। उन्होंने विचार किया क्यों ना भगवान के जितने नाम हैं उन सब नामों का अर्थ हम अपने इष्ट देवता के पक्ष में कर डालें। शुरू किया भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु के सहस्र नाम, विश्वम विष्णुर वशत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूत भृत भावो भूत आत्मा भूत भावन, इन सारे नामों का अर्थ जो है अपने इष्ट के अनुकूल कर डाला। लेकिन करते करते जब आगे पहुंचे और जब विष्णु सहस्र नाम में नारायण नाम आया, जन्हुर नारायणो नरह, तो जन्हुर नारायणो, जब नारायण शब्द का अर्थ करना हुआ तब आकर के बात अटक गई। नारायण शब्द का अर्थ किसी अन्य इष्ट देवता के पक्ष में घटित नहीं हुआ, तब उनको लिखना पड़ा वहां पर अणत्वम बाधते, अणत्व ने हमको बाधित कर दिया। अगर हम अर्थ करना भी चाहें तो गुणत्व नहीं होगा, और अणत्व नहीं होगा तो ये नारायण शब्द किसी दूसरे के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होगा। इसीलिए और ऐसे नारायण नाम में चतुर्थी विभक्ति लगाकर प्रणाम करते हुए जो परम वैदिक मंत्र है अष्टाक्षर मंत्र, यह भगवान का परम मंत्र, इसी को श्री संप्रदाय के आचार्यों ने परम मंत्र के रूप में स्वीकार किया। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म नम इति द्वे अक्षरे, पहला अक्षर ओम, दूसरा अक्षर नमः, ये दो अक्षर। ओम इत्येकाक्षर ब्रह्म नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पंचाक्षराणि, नारायणाय ये पांच अक्षर, इस प्रकार मिलकर आठ अक्षर का मंत्र अष्टाक्षरी को ही समस्त वैष्णव मंत्रों में परम मंत्र के रूप में श्री संप्रदाय के आचार्यों ने स्वीकार किया। वही भगवान श्रीमन्नारायण परम तत्व, जिन नारायण के विषय में वेदों ने संकेत किया कि लक्ष्मी जिनकी पत्नी है, श्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, वे भगवान नारायण ही परम पुरुष परम तत्व, और वही परम तत्व अयोध्या में श्री राम रूप में प्रकट हुए। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातन, वही भगवान परम तत्व देवताओं की प्रार्थना पर अयोध्या में श्री राम के रूप में प्रकट हुए। अवतार और अवतारी में भेद नहीं होता, अवतार और अवतारी केवल व्यवहार के लिए और समझने के लिए। जो अवतारी होता है उसी का ही अवतार होता है। नारायण का अवतार राम जी के रूप में हुआ तो राम जी अलग हैं, राम जी नारायण नहीं हैं, यह सोचना भी महापाप है, महापराध है। नारायण ही तो राम है, अच्युतम केशवम राम नारायणम, भगवान नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए।
अवतारी जब अवतार लेता है तो रहता वही है, केवल रूप बदलता है। कोई व्यक्ति 7 मंजिले मकान पर ऊपर हो और वो उतर करके नीचे आ जाए तो क्या वो दूसरा आदमी हो जाता है? अरे जो 7 मंजिल ऊपर बैठा था वही नीचे आ गया है वही। उसी प्रकार सप्तावरण से परे, 7 आवरण ब्रह्मांड के जो सप्तावरण हैं, उन सप्तावरणों से परे भगवान का जो परम धाम है वैकुंठ त्रिपाद विभूति, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां जाने के बाद कोई लौट करके नहीं आता। वहां से जो जाता है वो नहीं आता, जो वहां रहता है वही आता है। तो भगवान आए त्रिपाद विभूति से, भगवान अयोध्या में आए और 4 रूपों में भगवान ने अवतार लिया। कृत्वात्मानं चतुर्विधम्, ऐसी पावन भूमि अयोध्या, यहां विराजमान होकर आप सभी लोग राम जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। अयोध्या में आए हैं तो सरयू स्नान जरूर करो। कितने लोगों ने सरयू स्नान किया, हाथ उठाओ। ये देखो, वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अयोध्या में आने का क्रम यही है, पहले आओ, जब अयोध्या की सीमा में प्रवेश करो तो पहले अयोध्या को प्रणाम करो, अयोध्या नगरी को प्रणाम करना। राम जी जब वन की यात्रा पर जाते हैं तो अयोध्या की सीमा पर जब रथ पहुंचा, सुमंत जी ने बताया यहां अयोध्या की सीमा समाप्त हुई, यहां से श्रृंगवेरपुर प्रारंभ होगा। तो रघुनाथ जी रथ से उतर कर अयोध्या की ओर मुख करके हाथ जोड़ करके अयोध्या को प्रणाम करते, हे अयोध्यापुरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं, और सकुशल 14 वर्ष की यात्रा करके हम लौट करके आएंगे, फिर आपको प्रणाम करके हम पुरी में सुखपूर्वक निवास करेंगे। रघुनंदन ने इस पुरी को प्रणाम किया, वाल्मीकि रामायण, ऐसी पावनपुरी अयोध्यापुरी। तो अयोध्या में आओ तो पहले अयोध्या को प्रणाम करो, और अयोध्या को प्रणाम करने के बाद प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हुए सरयू में जाकर के स्नान करो। पहला काम सरयू स्नान से अयोध्या की यात्रा प्रारंभ होती है, और जब सरयू में आप स्नान कर लोगे तभी राम जी के पास पहुंचने की योग्यता आपको मिलेगी। सीधे राम जी के पास चले जाओ, नहीं मिलेंगे राम, पहले सरयू में स्नान। जाम अज्जन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि, पहला काम सरयू स्नान। और सरयू स्नान के बाद श्री हनुमंत लाल जी का दर्शन। सरयू जी स्नान किए और सीधे अन्यत्र दर्शन करने चले गए, नहीं, पहले हनुमान जी का दर्शन। क्यों? बोले राम जी के दरवाजे पर द्वारपाल हनुमान जी हैं, जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी आप भीतर नहीं जा सकते। राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ तिन आज्ञा बिनु पैसारे, ओ तिन द्वारपाल हैं हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी का दर्शन, भगवान शंकर कहते हैं कि प्रथमं मारुते स्थानं ब्रजेन निर्मल मानसः। भगवान शंकर अयोध्या की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं पहले हनुमान जी का दर्शन करो। प्रथमं मारुते स्थानं ब्रजेन निर्मल मानसः, तत्र श्री मारुतिम नत्वा जन्मभूमिम ब्रजेत ततः। पहले हनुमान जी का दर्शन, और हनुमान जी के दर्शन के बाद श्री राम जन्मभूमि का दर्शन। हनुमान जी के यहां हाजिरी लगाने के बाद तब वहां जाना चाहिए, और इसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन करने के बाद रत्न सिंहासनम प्राप्य राज राजेश मानयेत। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद रत्न सिंहासन।
भगवान के दर्शन के लिए पहले उनके नगर में आओ, नगर की अनुमति मिले, अर्थात अयोध्यापुरी को प्रणाम करो, अयोध्यापुरी आपको अनुमति दे राम जी के दर्शन की। फिर बोले राम जी के दर्शन के लिए अपने शरीर को, मन को, चित्त को पवित्र करो। वो कैसे होगा? बोले वो सरयू जी करेंगी, सरयू में स्नान करो। फिर बोले फिर जाकर के किसी भक्त का आश्रय लो, क्योंकि भागवतों की कृपा के बिना भगवान का दर्शन नहीं होता। परम भागवत हनुमान जी महाराज की जब कृपा हो तब जाकर के राम जी का दर्शन। लेकिन राम जी का जब बाल रूप दर्शन कर लिया राम जन्मभूमि में, तो राम जी सदा बाल का ही थोड़ी रहे, राजाधिराज भी बने। राजाधिराज बन करके धर्म की स्थापना की, इसलिए परम ज्ञान के उद्देश्य से, परम धर्म के उद्देश्य से राजाधिराज रघुनंदन पट्टाभिराम भगवान रघुनंदन के रत्न सिंहासन का दर्शन कर राजाधिराज का वहां अनुभव करना चाहिए। लेकिन राजाधिराज 24 घंटे राजाधिराजे नहीं बने रहते हैं, कभी उनका व्यक्तिगत जीवन भी होता है सुखमय, आनंदमय, रसमय। उस जीवन का अनुभव करने के लिए प्रिया प्रीतम जुगल सरकार के दिव्य नित्य निकुंज स्वरूप श्री कनक भवन में जाकर के भगवान के दिव्य स्वरूप का, दिव्य झांकी का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार कनक भवन में जाकर के भगवान का दर्शन करके परमानंद फलम लब्ध्वा, भगवान शंकर कहते हैं अयोध्या आए, प्रणाम किया, सरयू स्नान किया, हनुमान जी का दर्शन किया, अभी परमानंद नहीं मिला। जन्मभूमि का दर्शन किया, बोले अभी परमानंद नहीं मिला। रत्न सिंहासन का दर्शन किया, अभी परमानंद नहीं मिला। अब जब कनक भवन बिहारी जी का दर्शन करेंगे तब परमानंद फलम लब्ध्वा, तब परमानंद की प्राप्ति हो। कनक भवन का दर्शन किया आप सबने, जरूर जाओ, वहीं रामकोट में श्री कनक भवन बिहारी जी, परमानंद फलम लब्ध्वा मुच्यते जन्म संकटात्, और वहां जाकर के भगवान का दर्शन करके व्यक्ति परमानंद को प्राप्त करता है और संसार के बंधन से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी में जहाँ पग पग पर तीर्थ हैं और दिव्यता है, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी में आप विराजमान हैं। कल के सत्र में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री दशरथ जी महाराज परम धर्मात्मा, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। चतुर्थ अवस्था आ गई, 60,000 वर्ष की अवस्था, त्रेता युग था। युग के अनुसार आयु भी घट जाती है, क्षमता भी घट जाती है। सतयुग में लाखों वर्ष कोई आयु होती, त्रेता युग आते आते मनुष्यों की आयु लाख वर्ष से घटकर हजारों में आ गई, हजारों वर्ष। द्वापर युग आते आते सैकड़ों वर्ष, द्वापर में भीष्म पितामह की आयु का वर्णन है, कई पीढ़ियां उन्होंने देखी। और फिर कलयुग आने पर व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष हो जाती, दशकों में हो जाती है। कोई 5 दशक जिया, कोई 6 दशक जिया, कोई 7 दशक जिया, 50, 60, 70, 80, 90 जाते जाते सीताराम। तो कलयुग में 100 वर्ष की औसत आयु है। ये 100 वर्ष जो वेदों में प्रार्थना की गई, जीवेम सरदः शतम्, शृणुयाम सरदः शतम्, प्रब्रावाम सरदः शतम्, ये शतम् का अर्थ युगों में भिन्न भिन्न है। सतयुग में वो शतम 100,00,000 वर्ष के लिए, त्रेता युग में 100,000 वर्ष के लिए, द्वापर में सैकड़ों वर्ष के लिए, और कलयुग में आने पर 100 वर्ष का। जीवे में सरदस शतम, क्योंकि मंत्र तो अनादि है, वेद मंत्र अनादि है। तो सतयुग में भी जब लोग संध्या वंदन करेंगे, तो सूर्य भगवान की जब उपासना करेंगे, तो यही तो कहेंगे, तच्चक्षुरदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम सरदस्सतम, जीवेम सरदस्सतम, शृणुयाम सरदस्सतम। 100 वर्षों तक हम जिए, 100 वर्षों तक देखें हमारी आंख न खराब हो, 100 वर्षों तक हम सुने हमारी इंद्रियां ठीक रहें। तो ये 100 वर्ष की ही कामना सतयुग में भी क्या होती थी? बोले सतयुग में वो 100 वर्ष लाखों वर्ष का
संकेत करता है। द्वापर युग त्रेता युग आने पर हजारों वर्ष, द्वापर युग आने पर सैकड़ों वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। इसलिए कलयुग में भी कोई नित्य नियम से संध्या वंदन सूर्य उपासना आदि कर्म करता रहे तो वो 100 वर्ष की आयु जीता है। दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई त्रेता युग, आज के हिसाब से समझो तो 60 वर्ष और कोई संतान नहीं। और दूसरी विशेषता कि 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई लेकिन दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कोई प्रयास भी अभी तक नहीं किया। सामान्यतया किसी का विवाह हो तो विवाह के 1 वर्ष तक तो कोई बात नहीं, 2 वर्ष तक भी कोई बात नहीं, लेकिन 3 वर्ष होते होते फिर चिंता होती है कि अब बेटा बेटी होना चाहिए। पहले उन माता पिता को चिंता होती है लेकिन वो संकोच में कहते नहीं। फिर धीरे धीरे समय बीता, अगर 4-5 वर्ष हो जाए तो फिर उनके माता पिता को ही चिंता होने लगती है, ब्याह हुआ, बहू आई, कुछ नाती पोता नहीं भय, कुछ होना चाहिए। और इसके बाद भी नहीं हुआ तो रिश्तेदार नातेदारों को भी चिंता होती, और इसके बाद बोले इसके बाद तो ये स्थिति होती है कि फिर प्रयास प्रारंभ होता है, अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, दान करो, जप करो, पंडित बुलाओ, विचार करो, औषधि कराओ, कोई न कोई उपाय व्यक्ति करने लगता है। लेकिन दशरथ जी महाराज बोले 60,000 वर्ष के हो गए और कोई संतान नहीं। और रानियां बोले 3 पटरानी, 350 साधारण रानियां, लेकिन इसके बाद भी किसी से कोई संतान नहीं और दशरथ जी ने कोई प्रयास भी नहीं किया। 60,000 वर्ष तक कोई प्रयास किया होता तो वर्णन होता, रामायण में तो यही वर्णन है कि जब 60,000 वर्ष के हो गए तो एक दिन अचानक उनको इस बात की चिंता हुई। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भयानी वो रे सुतना, वो भी एक बार, इसके पहले नहीं। अगर पहले भी पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई चिंता होती तो गोस्वामी जी ऐसा क्यों लिखते कि एक बार भूपति मन माही, अनेक बार नहीं, एक बार। इसके पहले कभी चिंता नहीं हुई, क्या कारण था, क्यों प्रयास नहीं किया दशरथ जी ने? तो कहते हैं दशरथ जी ने इसलिए प्रयास नहीं किया कि श्री दशरथ जी महाराज और महारानी कौशल्या ये दोनों पूर्व जन्म में स्वायंभू और शत्रुपा थे, जिन स्वायंभू मनु ने अयोध्या बसाई। स्वायंभू मनु और शत्रुपा के रूप में जब ये थे तब चौथी अवस्था जब आई तो इन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और नैमिषारण्य तप करने के लिए चले गए। मन तपस्या में लगाना चाहते थे लेकिन मन अयोध्या राजकाज पुत्र परिवार छोड़ने का नहीं कर रहा था। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि स्वायंभू मनु ने बरबस अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया। बरबस राज सुतही नृप दीना, ये पंक्ति हमारे आपके लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हम भी मनु की संतान हैं, मानव हैं, और मनु जी ने चौथी अवस्था आने पर उनको चिंता हुई। क्या चिंता हुई
बोले चौथी अवस्था आ गई और अभी तक हमारा मन भगवान में नहीं लगा। भवन बसत भा चौथ पन हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयउ हरि भजन। ये दुख जिस दिन हमारे आपके जीवन में आ जाएगा हमारा आपका भी कल्याण हो जाए। ये दुख हमारे आपके मन में नहीं आता है, बुढ़ापा आ जाता है लेकिन मन ये नहीं कहता कि चलो अब सब छोड़ो भगवान का भजन करो। उसी परिवार में, उसी मोह में, उसी माया में वही 99 का चक्कर चलता ही रहता है। मनु जी को इसकी चिंता हुई, चौथापन आ गया और अभी तक मन भगवान में नहीं लगा। विचार करना, आपकी भी अवस्था चौथी अवस्था आ जाए और भगवान में मन नहीं लग रहा है तो ये विचारणीय है, चिंता का विषय है। इस विषय पर चिंतन करने की आवश्यकता है। आपके हृदय में वेदना हो, और कितनी वेदना हो, बोले थोड़ी नहीं ज्यादा हो, क्यों? बोले अब तो अंतिम समय आ गया है, कब टपक जाए पता नहीं, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मनु जी को यही चिंता हुई, जन्म गयउ हरि भजन बिना, ये जन्म ही चला जाएगा भगवान के भजन के बिना। और ऐसी स्थिति हो और मन भगवान में न लगे, बोले तब एक उपाय है, जबरदस्ती मन को भगवान में लगाओ, न लगे फिर भी लगाओ। बोले महाराज सब काम धाम बिगड़ जाएगा, बोले सौंप दो बच्चों को, बिगड़े चाहे बने, वो जाने उनका काम जाने, आगे तो उन्हीं को करना है। बोले बच्चे तैयार नहीं, बोले जबरदस्ती सौंप दो, सीखने दो, करने दो। तिजोरी की चाबी अपने कमर में लेकर के मत घूमो, दे दो बहुरानी को, जिम्मेदारियों से मुक्त बनो। बरबस राज सुख ही नृप, बरबस राज सुत ही नृप दीना, बरबस राज सुत ही नृप दीना, अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया। बरबस, बरबस बोले तो जबरदस्ती लो, और अपने मन को भगवान में लगाया और चल पड़े। कहां गए? बोले तीर्थ बर नैमिष विख्याता, नैमिषारण्य को, और नैमिषारण्य में जाकर मुनियों का दर्शन किया, उनके सत्संग को सुना, और सत्संग सुनने के बाद मुनियों की प्रेरणा हुई, यहीं रह करके तप करो, भगवान का दर्शन मिले, यही जीवन का परम लाभ है। और फिर स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्ष तक तप किया, 23,000 वर्ष तक नैमिषारण्य में तप किया पति पत्नी ने, दिव्य दंपति ने। भगवान प्रसन्न हो गए, पहले तो ब्रह्मा जी आए, शंकर आए, बड़े बड़े देवता आए, वरदान मांगो वरदान मांगो, किसी से कुछ नहीं मांगा। स्वयंभू मनु ने विचार किया, जो परम तत्व परमात्मा श्रीमन नारायण है वो आए तब मैं उनसे कुछ मांगू, हम तो उनका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने आकाशवाणी, आकाशवाणी में भगवान ने कहा कि मांगो बर क्या चाहते, मांगु मांगु बर भई न भवानी। आकाशवाणी हुई, मांगो वरदान क्या चाहिए। जब उस वाणी को सुना स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने, इतनी मधुर वाणी कि बुढ़ापे का शरीर, 23,000 वर्ष की तपस्या, इसके बाद भगवान की उस मधुर वाणी को सुनने का परिणाम यह हुआ, स्वयंभू मनु और शत्रुपा महाराज जवान हो गए, शरीर स्वस्थ हो गया, परमानंद हो गया। भगवान की वाणी में ऐसी दिव्यता कि वो वाणी कान में पड़े तो व्यक्ति अपने को स्वस्थ परम दिव्य अनुभव करने लगता। वो दिव्य वाणी कान में गई, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई,
हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाये मानहु अब ही भवन ते आए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तो स्वयंभू मनु ने कहा प्रभो पहले तो मैं आपका दर्शन करूं तब ना कुछ आपसे मांगू, पहले तो आप ही दिखो, आप पहले दिखो, मैं जिसकी वाणी इतनी मधुर तो पहले उसका मैं दर्शन तो करूं। और स्वयंभू मनु ने कहा प्रभु मैं आपका दर्शन चाहता। भगवान ने कहा मेरे अनेक रूप हैं, किस रूप में तुम दर्शन चाहते हो? मेरा कोई रूप नहीं है और सब मेरा ही रूप है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के सब रूप हैं, सर्वरूप हैं भगवान, भगवान का एक नाम सर्वरूप है, सब कुछ भगवान है। धागा कपड़ा दरी बिस्तर दीवाल लोहा लंगड़ पत्थर जड़ चेतन ये सब भगवान है, ये सब भगवान का ही रूप है, इसीलिए भगवान का एक नाम है सर्वरूप। लेकिन सब रूपों में भगवान की अनुभूति नहीं होती, इसलिए प्रारंभिक दशा में मूर्ति उपासना और भगवान के स्वरूप का चिंतन ध्यान अर्चन वंदन किया जाता है, जिससे धीरे धीरे भगवान में हमारी मति प्रतिष्ठित हो जाए, तो उसका परिणाम ये तो होता है कि फिर तो सब में भगवान दिखने लग जाते हैं। सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग वानी। तो भगवान तो सर्वरूप है, सब रूप भगवान का ही, और कृष्णावतार में तो भगवान ने लीला करके दिखा भी दिया, द्वापर युग तक भगवान सर्वरूप है सर्वरूप है इसकी केवल व्याख्या होती रही। व्याख्या सुन करके लोग श्रद्धा से मान तो लेते थे, चलो शास्त्र का वचन है मान लेते हैं भगवान सर्वरूप है, लेकिन अनुभव नहीं होता था किसी कि भगवान सर्वरूप है कैसे माने। तो भगवान ने कहा चलो हम एक उदाहरण तुमको देते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने सर्वरूप लीला की, वृंदावन की लीला में भगवान की एक लीला सर्वरूप लीला है, जब ब्रह्मा जी ने भगवान के सभी सखाओं को बछड़ों को चुरा करके ले जाकर के एक गुफा में योग निद्रा में सुला दिया, तब भगवान ने कहा बड़ा सुंदर मौका है ब्रह्मा को भी उपदेश कर दें और सर्वरूप धारण करके जो वेद की श्रुति है वेद का जो मंत्र है सर्वम विष्णुमयम जगत इसको हम चरितार्थ कर दें। ऐसा सोचकर भगवान ने सर्वरूप धारण कर लिया। यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावत यष्ट विषाण वेणु दलशिग यावत विभूषांबरम यावत क्षीलगुणाभिधा कृतवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो भव। भगवान सर्वरूप हो गए। कैसे सर्वरूप हो गए? बोले जितने बछड़े थे वो बछड़े भी भगवान ही बन गए, असली बछड़े गुफा में बंद हैं भगवान बछड़ा भी बन गए, उन बछड़ों के गले में जो घंटी थी वो भी भगवान ही बन गए, उस घंटी में जो रस्सी लगी हुई थी डोरी लगी हुई थी वो डोरी भी भगवान, सखा भी भगवान, उन सखाओं के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो माला थी वो भी भगवान, उन सखाओं की लाठी भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान। यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक वेणु भी भगवान। देखो वृंदावन में केवल कन्हैया ही बंसी नहीं बजाते थे, भगवान के जितने सखा थे सब बंसी बजाते, हाँ सब बंसी बजाते, जब हमारे ठाकुर ही बंसी बजाएंगे तो हम लोग भी तो बंसी ही बजाएंगे, ठाकुर जी के सब सखा बंसी बजाते थे, इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं यावद यष्ट विषाण वेणु दलशे वेणु, और सखा लोग सब भगवान से बंसी बजाना सीखते थे। कोई राग रागिनी समझ में ना आवे तो कन्हैया को पकड़े बोले चल तू बता, कन्हैया से सीखते, जो बड़े सखा थे वो कन्हैया को सिखाते। तो इस प्रकार से उस लीला में भगवान ने सर्व रूप धारण कर लिया, उन सखाओं के वंशी भी भगवान ही, सखा भी भगवान ही, उनके कपड़े भी भगवान, सब भगवान, सिक्के भी भगवान, लाठी भी भगवान, सर्वरूप। तो ये सब रूप भगवान का, सर्वम विष्णुमय। भगवान ने कहा सब रूप मेरा ही है, तो किस रूप में मेरा दर्शन करना चाहते? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा प्रभु जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में रहता है,
जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े योगी मुनि अमलात्मा महात्मा विमलात्मा लोग तप करते हैं, साधन करते हैं, उस रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। वेद शास्त्र जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि जतन कराही। जो सुंड मन मानस हंसा, जो सुंड मन मानस हंसा, अगुण अगुण जही निगम प्रसन्नता, वचन परम प्रिय लागे, पति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचन प्रभु के पानी दाना, भगत वचन प्रभु के पानी दाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना, विश्ववास प्रकटे भगवाना, नील सरोरह नील मणि नील नीर दर श्याम, नील सरोरो नील मणि नील नीर दर श्याम, लाग ही तन शोभा निरख कोटि कोटि जगतां, लाग ही तन शोभा निरख कोटि कोटि जगतां, रामचंद्र जी स्वयं वो मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्व में कण कण में जो बास करते हैं वो भगवान। ये सारे विश्व में बास करने वाले भगवान कौन हैं? बोले व्यापक तत्व, व्यापक तत्व। इसीलिए विश्ववास, विश्व माने जड़ चेतन, जड़ और चेतन को विश्व कहते हैं। खाली आदमी रहे उनको विश्व नहीं कहा जाएगा, और सब आदमी और सारे जीव मर जाएं केवल धरती रहे उसको भी विश्व नहीं कहा जाएगा। विश्व तो तब जब जड़ चेतन दोनों, जड़ चेतन दोनों मिलकर के विश्व, और इस विश्व में जड़ चेतन में सब में जो अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट है, विश्व में जो बास कर रहा है, विश्ववास प्रगटे भगवान। व्यापक तत्व, और व्यापक तत्व विष्णु तत्व है। व्यापनोति इति विष्णु, जो व्यापक है, सर्वत्र व्याप्त है। अंतर वहिश्चतत सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः, जो अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। व्यापनोति इति विष्णु, विष्णु शब्द का यही अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है। तो भगवान वे व्यापक तत्व स्वयंभू मनु और शत्रुपा के सामने प्रकट हो। भगवान के मनोहर रूप को देखा और स्वयंभू मनु शत्रुपा ने कहा, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है, जो मांगोगे वो मैं दूंगा, मोरे कछु अदेय नहीं। ये भगवान की कितनी बड़ी उदारता है। भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ छिपा करके नहीं रखते, भक्तों के लिए ही भगवान का सब कुछ है। भगवान का अपने लिए कुछ नहीं है, न भगवान को वैकुंठ की जरूरत है, न ब्रह्मांड की जरूरत है, न किसी वस्तु की जरूरत है, वो तो आप तकाम पूर्ण काम परम निष्काम है। फिर ये सारा प्रपंच किसके लिए है? बोले भगवान के भक्तों के लिए, जीवों के लिए, सब भगवान भक्तों के लिए ही बनाते, हमारे आपके लिए सारी सृष्टि बनाई, ये संपूर्ण सृष्टि, जमीन आसमान पानी अग्नि वायु, बड़े बड़े सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ, सोना चांदी हीरे मोती, ये सब भगवान ने किसके लिए बनाए? भगवान को इसकी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे आपके लिए ही तो बना, हम ही आप इसका उपयोग करते हैं, भगवान थोड़ी कोई उपयोग करने आते। तो भक्तों के लिए भगवान को कुछ भी अधेय नहीं है, सब कुछ भगवान का भक्तों का ही है। मोरे कछु अधेय नहीं, तो भगवान कहते कुछ अधेय नहीं, जो मांगो वो मैं दूंगा,
और संकोच छोड़ करके मांगो। भगवान तो सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जान जाए। लेकिन जहां पर भगवान के लिए सर्वज्ञ शब्द आया, वहीं पर एक शब्द और आया सर्वविद। वेदों में सर्वज्ञ सर्वविद, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि यह सर्वज्ञ सर्वविद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। वेद ने कहा वो सर्वज्ञ है, यह सर्वज्ञ और सर्वविद। तो सर्वज्ञ का अर्थ हुआ कि जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ, और सर्वविद का अर्थ, बोले सर्वविद का भी वही अर्थ होता है, जो सब कुछ जाने उसको कहते हैं सर्वविद। वित माने ज्ञान, विद ज्ञाने धातु है। तो सर्वज्ञ और सर्वविद का जब एक ही अर्थ है तो इन दो शब्दों का प्रयोग वेदों ने क्यों किया? दो बार एक ही अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग वेदों को करने की क्या जरूरत थी? ये तो पुनरुक्ति हो गई। पुनरुक्ति माने एक ही बात को फिर कहना। पिष्ट पेषण तो कहते नहीं, वेदों के जो वाक्य हैं, वेदों का जो वचन है वह कभी निरर्थक नहीं है, उसका कोई न कोई प्रयोजन होता है। भूल और प्रमाद से उच्चरित शब्दों में ये बातें आती हैं। मानव के शब्दों में जो अनादि शब्द हैं, नित्य शब्द हैं, उनमें ये दोष नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ सर्वविद दोनों शब्दों के प्रयोग का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? तो आचार्यों ने अर्थ किया सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानते हैं, और सर्वविद का मतलब, बोले सर्वविद का मतलब है सब कुछ जानते हुए उन सब में एक एक वस्तुओं को भिन्न भिन्न रूप में भी जो जानते हैं। भगवान सामान्यतया समस्त ब्रह्मांड को, सब कुछ को, सबको जानते हैं, लेकिन उन ब्रह्मांडों में अनंत अनंत ब्रह्मांड के, अनंत अनंत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि के परमाणुओं को, उन परमाणुओं के परस्पर भेद को, अनंत अनंत जीवों को, उन जीवों के परस्पर भेद को, उनके कर्म को, उनके कर्म के फल को, उनके जन्म जन्मांतर के होने वाले भविष्य में उन फलों को, सबको जो प्रतिक्षण जानता है वो सर्वविद। ये अर्थ किया, यह सर्वज्ञ सर्वविद। तो ऐसे भगवान सब कुछ जान गए। वो जान गए, क्या जान गए? बोले स्वयंभू मनु के मन में क्या है, ये क्या चाहिए। भगवान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आप मन में सोचोगे उसके पहले भगवान जान जाएंगे क्या सोचने वाला। इसलिए भगवान के सामने चिल्ला करके कह करके बताने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को बताने की जरूरत पड़ेगी जो सब कुछ जानता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, कबीरदास जी ने व्यंग किया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता ऊपर मुल्ला चढ़ा बहरा भया खुदाए। क्या खुदा बहरा हो गया जो चिल्ला रहे? वो तो बिना तुम्हारे कहे ही जान रहा है, वो साहब जान रहा है। कहने का तात्पर्य कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, वो जान गए मनुजी महाराज के मन में क्या है। क्या है? बोले मनुजी चाहते थे ये मेरे पुत्र हो जाए। इसीलिए भगवान ने पहले ही संकेत कर दिया, सकुच बिहाय मांग नृप, मैं जान रहा हूं तुम मुझको चाहते हो, मैं जान रहा हूं तुम मुझको चाहते हो, लेकिन तुमको संकोच आ रहा है मांगने में। भगवान को मैं भगवान से कैसे मांगू? और देखो मनु जी ने जो मांगा यही हमको आपको भी मांगना चाहिए। भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। मनु जी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को ही मांगा, और भगवान ने भी यही कहा सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मुझे ही मांग लो, मोरे कछु अधेय नहीं तो, मैं सब कुछ दू, मांगो, मुझे चाहते हो तो मांग लो, मैं भी तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार जब भगवान ने कहा, लेकिन फिर भी स्वयंभू मनु को संकोच लग गया, और संकोच के कारण उन्होंने कहा हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान हमको पुत्र चाहिए। प्रभुसन कवन दुराव, आपसे तो कोई दुराव है नहीं, आप ही मेरे पुत्र बन जाओ, आपके समान हमें पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि अब अपने समान में ढूंढने कहां जाऊं,
क्योंकि मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता, मैं ही आपका पुत्र बनूंगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आ जाऊंगा। आप सरिस खोजऊ कहां जाई, नृपतव तने हो बमे आई। स्वयंभू मनु ने कहा आप मेरे बेटा बनोगे, भगवान ने कहा पक्का, वे कब बनोगे? भगवान ने कहा अब अभी तो आप स्वर्ग में जाओ, कुछ दिन आनंद से स्वर्ग में निवास करो, फिर धरती पर आप जब अयोध्या के राजा बनकर के प्रकट होगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। होइहौ अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा, आप कहीं और के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। ये अयोध्या भगवान को इतनी प्यारी है, भगवान ने पहले ही शर्त लगा दी, बोले आप अयोध्या के राजा बनोगे तो हम आपके बेटा बन जाएंगे। होइहौ अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये वचन भगवान ने स्वयंभू मनु को दिया था और वही स्वयंभू मनु शत्रुपा अयोध्या में श्री दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए। इनको मालूम है कि भगवान ने हमको वचन दिया है, पुत्र बनकर के भगवान आएंगे, और जब भगवान ने वचन दिया है तो भगवान तो अपने वचन से कभी पीछे हटते नहीं, वो अपने वचन का पालन करेंगे, आएंगे। इस विश्वास में श्री दशरथ जी महाराज प्रतीक्षा करते रहे और 60,000 वर्ष की आयु, अब आएंगे, इसी प्रतीक्षा में समय बीत गया और विश्वास भगवान के वचन में भगवान आएंगे, इसीलिए कोई उपाय नहीं किया। नहीं तो कोई उपाय करते तो कोई अनुष्ठान करते, लेकिन नहीं किया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार भूपति मनमाही भई गलान मोरे सुतना। एक बार, पहली बार, वो भी क्यों हुआ? बोले अवस्था हो गई तो मन में चिंता हुई कि नास्ति वंश करश्युतः, वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। भगवान तो आने को तैयार थे, लेकिन जब दशरथ जी यज्ञ करें तब वो आवे। आने को भगवान तैयार बैठे थे लेकिन अभी तक नहीं आए। बोले क्यों? बोले अब दशरथ जी यज्ञ करने का संकल्प करें तब हम आए, क्योंकि भगवान यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के द्वारा ही उनका प्रादुर्भाव है और यज्ञ के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। वेद भगवान कहते हैं यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति। उन परमात्मा को जानने का साधन यज्ञ, व्रत, तप, अनुष्ठान। यज्ञ, व्रत, तप, अनुष्ठान आदि के द्वारा जब अंतःकरण पूत और पवित्र हो जाता है तभी उनको जाना जाता है। तो दशरथ जी ने, ओ भगवान ने सोचा भी ये यज्ञ करें, यज्ञ का संकल्प करें तब मैं भी चलूं। और दशरथ जी के मन में जब ये आया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं, सुतार्थम बाजी मेधेनो किमर्थम न यजाम्यहम्। और दशरथ जी महाराज ने अपने मंत्रियों के मध्य में, गुरुजनों के मध्य में इस विषय को रखा कि मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम्। मेरे जीवन में सब सुख है लेकिन एक सुख नहीं है। क्या? बोले सुतार्थम लालप्यमानस्य, सुत को, पुत्र को अपनी गोद में लेकर के हम उसका लाड करें, दुलार करें, लालन करें, ये सुख जो पिता को मिलता है ये सुख मुझे नहीं, बाकी सब सुख मेरे जीवन में, इस सुख से मैं वंचित रहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम्। देखो कोई भी सुख है, कोई भी आनंद है तो वो परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा के द्वारा ही वो आनंद प्राप्त होता है और भगवान ही उस आनंद की प्राप्ति कराते हैं।
चाहे वो आप अनजान में पाओ, चाहे जान करके पाओ, चाहे नास्तिक को सुख मिले, चाहे आस्तिक को सुख मिले, किसी भी साधन संसाधन से मिले, वो सुख भगवान के द्वारा ही तुम्हें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सुख निधान तो भगवान ही है। इसीलिए गोपियों ने कहा, गोपियों को काम सुख, गोविंद के दर्शन, आलिंगन, स्पर्श, परिरंभणादि सुख की कामना हुई, तो गोपियों ने कहा, हे प्रभु, इस सुख की प्राप्ति भी आप ही कराओगे, क्योंकि तो आप तो सुख के नाथ हो, और यह सुख जो रति सुख है, यह सुख भी आपसे ही मिलेगा, क्योंकि आप रतिनाथ हैं। गोपियों ने गोपी गीत में कहा, सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका, सुरतनाथ ते, आप सुरतनाथ हो, जिसको जो चाहिए ना व्यक्ति, उस आनंद के लिए भगवान को उस आनंद से जोड़ करके ही देखता है। जिसको धन चाहिए वो भगवान को कहता है, हे लक्ष्मीपति, आप हमें धन दे दो, क्यों, बोले लक्ष्मीपति हैं तभी ना धन देंगे। जिसको आनंद चाहिए वो कहता है, हे आनंद सिंधु, आप मुझे आनंद प्रदान करो। जिसको भौतिक संपत्ति चाहिए वो राजाधिराज के रूप में अनुभव करता है उनका। इस प्रकार से भगवान में उन सारे विशेषताओं का अनुभव करके भक्त लोग भगवान से उन वस्तुओं की वांछा करते हैं। तो गोपियों ने भी कहा अपने ढंग से, ये सुरत नाथ थे, आप तो सुरत के नाथ हो, ये सुरत भी ये प्राप्त होगा तो आपसे ही, आप इसके ही नाथ हो, आप जगन्नाथ हो, विश्वनाथ हो, दीनानाथ हो, तो आप सुरतनाथ भी हो, तो ये सुख भी भगवान से ही जीव को प्राप्त होगा। तो दशरथ जी महाराज ने सोचा, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं, और गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, आपके मन में उत्तम विचार आया है, और फिर सरयू जी के उत्तर तट पर यज्ञ की तैयारी हुई, सरयू जी के उस पार, यहां से लगभग 1.5 योजन की दूरी पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है मखौड़ा, वहां पर मनोरमा नाम की नदी बहती है। यहां से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, वहीं पर मनोरमा नदी के तट पर दशरथ जी महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया। सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण प्रारंभ हुआ। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव से, गुरुदेव, यज्ञ ऐसा हो जिसमें कोई अपराध न बने, अच्छा काम करते समय सावधान रहना चाहिए कि कहीं कोई मुझसे अपराध न बन जाए, क्योंकि हड़बड़ी में, बिना विचारे, अति उत्साह में कभी कभी अच्छा काम करते समय भी कुछ गलत काम हो जाता है, उसका परिणाम, बोले, उस अच्छे कर्म में भी विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि नापराधो भवेत कष्टो यद्यस्मिन् क्रतु सत्तमे, इस क्रतु में, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध न बने, कहीं किसी भी प्रकार की न्यूनता न रह जाए, क्योंकि न्यूनता आने पर असुर यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः, विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति, विधि से हीन यज्ञ करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है, और असुर छिद्र ढूंढते रहते, कमियां ढूंढते रहते। इसलिए हे महाराज, आपके नेतृत्व में यज्ञ में हो, और यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, ये चर्चा दशरथ जी कर रहे थे। वहीं बगल में श्री दशरथ जी महाराज के मंत्री श्री सुमंत्र जी महाराज वो सुन रहे थे। जब दशरथ जी ने अपनी बात कह ली तो सुमंत्र जी ने दशरथ जी को बुलाया, और बुला करके एकांत में सुमंत्र जी ने कहा, राजन, आज मुझे एक बात याद आ गई,
एतत् श्रुत्वा रह सूतो राजानमिदम् अब्रवीत। रह एकांत में ले जाकर सुमंत जी ने राजा दशरथ से कहा कि आप एक पुरावृत्त पुरानी कथा सुनो। दशरथ जी ने कहा क्या कथा है? तो सुमंत जी ने कहा कि एक बार ऋषियों की सभा हुई और उस सभा में ऋषियों ने चर्चा की कि महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। और ये चर्चा जब सभा में आई तो उस सभा में भगवान सनत कुमार विराजमान थे। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। उन भगवान संत कुमार ने एक कथा बताई। उन्होंने कहा कि जब ऋषियों के मध्य में अपने मंत्रियों के मध्य में पुत्र प्राप्ति की इच्छा प्रकट होगी दशरथ जी के मन में और वो यज्ञ करने का संकल्प करेंगे, विचार करेंगे, तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। बिना किसी के कहे, बिना किसी की प्रेरणा के अपने आप अंतःकरण में जब प्रेरणा उत्पन्न हो तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। दूसरा कोई किसी को कितनी भी प्रेरणा देता रहे कि तुम भगवान के भजन में लग जाओ, सत्कर्म में लग जाओ, लेकिन जब तक स्वयं के अंतःकरण में उसे प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी तब तक वो भगवत भजन में सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं होगी। और वही प्रेरणा कार्य का संपादन करती है जो अपने अंतःकरण में स्वतः समुद्भूत हो। दशरथ जी महाराज ने, वो मंत्रियों ने कहा कि जब ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होगी तो समझ लेना कि पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। सुमंत जी ने कहा पूरी कथा आप सुनो। बोले पूरी कथा क्या है? बोले उसके आगे भगवान सनत कुमार ने यह भी कहा था कि जब दशरथ जी यज्ञ करने का विचार करेंगे तो यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे। अच्छा, अभी तक तो अयोध्या में जितना यज्ञ हुआ उन यज्ञों का संपादन गुरुदेव वशिष्ठ ने कराया। वशिष्ठ जी महाराज परम ज्ञानी, ब्रह्मा जी के पुत्र, श्री वशिष्ठ जी महाराज कुल पुरोहित, बड़े बड़े यज्ञों का संपादन उनके द्वारा हुआ। लेकिन यहां पर सुमंत जी ने कहा कि इस यज्ञ को कराने के लिए तो श्रृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा और जब वो आएंगे और यज्ञ कराएंगे तब आपको पुत्र की प्राप्ति हो। ये सुनकर दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए अंग देश की यात्रा की। इसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने श्रृंगी महर्षि के चरित्र का वर्णन किया। ये श्रृंगी महर्षि कौन है? बोले ये विभांडक महर्षि के पुत्र हैं। कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी, इनके पिता विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते। ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, परम तपस्वी बने, योग मार्ग में परम सिद्धि की प्राप्ति करे। इसलिए जन्म लेते ही, बालक का जन्म होते ही उस बालक को लेकर स्वयं महर्षि जंगल में पालन पोषण करने लगे। पिता ने ही पालन पोषण किया विभांडक महर्षि ने श्रृंगी का। श्रृंगी जब बड़े हुए तो अपने पिता को ही देखा, मां को भी नहीं देखा। और इतना ही नहीं, विभांडक महर्षि ने अपने पुत्र को ऐसे वातावरण में रखा जहां नारी जाति का भी ज्ञान व्यक्ति को नहीं। विभांडक महर्षि के आश्रम में कोई सिंह तो जा सकता था लेकिन शेरनी नहीं जा सकती। उनके आश्रम में वृक्ष थे, लताएं नहीं थी, नारी वर्ग से ही परिचय न हो यह योजना विभांडक महर्षि ने बनाई। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं अनभिज्ञस्तु नारीणाम। बड़े वेदज्ञ हो गए, विद्वान हो गए, लेकिन अनभिज्ञस्तु नारीणाम, नारी जाति से ही अनभिज्ञ थे विषयाणाम च सुखस्य च। और ये श्रृंगी महर्षि केवल
नारी से अनभिज्ञ थे ऐसा नहीं, विषय और विषयों का जो सुख है, विषय क्या है, बोले पांच विषय होता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच विषय हैं। रूप रस गंध स्पर्श ये पांच विषय हैं। व्यक्ति इन्हीं पांचों विषयों का अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग करता है, और जो इन विषयों को भोगे वही विषयी, वही प्राणी विषयी कहलाता है। अनभिज्ञस्तु नारीणाम विषयाणाम सुखस्य च, इन विषयों के सुख से भी श्रृंगी महर्षि अनभिज्ञ थे, आश्रम में रहते थे, इनके पिताजी कंदमूल फल इत्यादि सब ला करके उपस्थित कर देते थे, इनको कहीं जाना भी नहीं पड़ता, बाह्य जगत का कोई परिचय ज्ञान इन्हें नहीं था। अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, उनकी बेटी शांता, शांता का विवाह श्रृंगी महर्षि से हुआ, जिनके पिता उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी और योगी बनाना चाहते थे, उनका विवाह हुआ शांता जी से। यही विधि का विधान है, जो भगवान चाहते हैं वो होता है। विवांडक तो चाहते थे कि मेरा पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, लेकिन भगवान चाहते थे इनका विवाह हो, तो विवाह हुआ। कैसे हुआ, बोले अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, उनके राज्य में अनावृष्टि हुई, अनावृष्टि हुई तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रृंगी महर्षि आए और उनको आप अपनी कन्या का दान कर दो तो आपके राज्य की अनावृष्टि दुख आपद ये समाप्त हो जाएगा। महाराज रोमपाद ने कहा तो उनके पिता तो उनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनाना चाहते हैं, वो अनुमति नहीं देंगे विवाह की, कौन उनको यहां लेकर के आएगा। तो नगर की जो गणिकाएं थी, पण्यवधु नगर वधु, उन सब ने कहा कि हम जाएंगे और उन्हें लेकर के आएंगे, और गणिकाएं नाव लेकर, नाव में अनेक प्रकार के सुस्वाद मिष्ठान को रखकर गाती बजाती नदी के माध्यम से श्रृंगी महर्षि के आश्रम के सन्निकट पहुंची। दूर दूर से पता लगाया, जब विभांडक महर्षि आश्रम से बाहर जाएं तब एकांत मौका मिलेगा और हम लोग जाकर के श्रृंगी से मिलें, महर्षि का दर्शन करें। जब विभांडक महर्षि कंदमूल फल इत्यादि लेने के लिए बाहर गए तो गणिकाएं आश्रम में प्रविष्ट हुई, उनको देखकर श्रृंगी महर्षि ने सोचा ये कोई ब्रह्मचारी होंगे, किसी गुरु के शिष्य होंगे, जैसे हम ब्रह्मचारी हैं गुरु के शिष्य, तो उनका पूजन किया। ये अतिथि हैं, अतिथि के रूप में उन गणिकाओं का श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचन, अर्घ पाद्य फल फूल प्रतिगृहियतु ताम पूजाम सर्वायेव समुत्सुकाः। श्रृंगी महर्षि के द्वारा पूजा प्राप्त करके वो गणिकाएं भी बड़ी उत्सुक हुई, चलो इन्होंने हमें डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया नहीं, अभी तो हमारा आदर किया, हमारी पूजा की, अब इनसे हम अपने मन की बात कह करके अपने कार्य की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। यह सोचकर उन गणिकाओं को बड़ा उत्साह हुआ। प्रतिगृहियतु ताम पूजाम सर्वायेव समुत्सुकाः, और फिर मौका पाकर के उन गणिकाओं ने जो अपने साथ लेकर के आई थी लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी रसगुल्ला, वो सब मिठाई निकाल निकाल करके वो गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को देने लगी, लो महाराज इसे खाओ। श्रृंगी महर्षि ने लिया और जब खाया तो बड़ा स्वाद आया, पहली बार रसगुल्ला खाने को मिला, लड्डू खाने को मिला। श्रृंगी महर्षि समझ नहीं पाए कि ये कौन सा फल है, क्योंकि फल ही देखा था, आज तक कभी मिठाई तो खाई नहीं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि मोदकान प्रददुस तस्मै, श्रृंगी महर्षि को जब मोदक दिया, लड्डू दिया, तो भक्ष्याश्च विविधान शुभान, और भी अनेक प्रकार के मिष्ठान्न जो है उनको दिए, तो तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते। उन मिठाइयों को खाने के बाद श्रृंगी महर्षि को यही अनुभव हुआ कि ये कोई फल है, और बड़े आश्चर्य से उन्होंने पूछा ये फल कहाँ होता है।
इस फल का क्या नाम है, ये तो बड़ा अद्भुत है, इसमें छिलका भी नहीं है, इसमें बीज भी नहीं है, रस ही रस है। वो गणिकाएं मन मन में मुस्कुराती रहीं, कितने सीधे हैं, कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, उनकी सहजता सरलता ये सब अनुभव करके वो गणिकाएं अपने को धन्य धन्य अनुभव कर रही थीं। और उन्हें भय भी हो रहा था कि कहीं विभांडक महर्षि आ गए तब तो फिर आफत हो जाएगी। फिर जल्दी जल्दी उन गणिकाओं ने श्रृंगी महर्षि से कहा, आप हमारे साथ चलो, आपको हम नाव में बैठा करके नदी में जल विहार कराएंगे। नदी में नाव कैसे चलती है, नाव में बैठ करके घूमने का क्या आनंद होता है, आपको अनुभव करावें। और ये सब कहते हुए गणिकाएं उनको लेकर के आईं और अपने नाव में धीरे से बैठा ली। श्रृंगी महर्षि समझ नहीं पाए कि योजना क्या, सरल चित्त आकर के बैठ गए। अब गणिकाओं ने धीरे से लंगर खोल दिया, नाव का लंगर खुला, नाव धारा में अपने आप बहने लगी। गणिकाएं सुंदर गीत संगीत सुनाने लगी और उसी मधुर गीत संगीत को सुनते सुनते नाव में बैठे बैठे श्रृंगी महर्षि अंग देश की सीमा में आ गए। नाव जब अंग देश की सीमा में आई तो महाराज रोमपाद श्रृंगी महर्षि के स्वागत के लिए तैयारी करके बैठे थे, पुष्पांजलि लेकर के खड़े थे नदी के तट पर, मखमल के पावड़े बिछे हुए थे नदी के तट से लेकर के महल के अंतःपुर पर। दासियां सेवक पंक्तिबद्ध खड़े थे पुष्प लेकर स्वागत के लिए, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे, मधुर मंगलमय वातावरण था। श्रृंगी महर्षि जब पहुंचे और श्रृंगी महर्षि को देखा, सब लोगों ने प्रणाम किया। श्रृंगी महर्षि नाव से उतर करके ज्यों ही अंग देश की सीमा में अपने चरण को रखते हैं उसी समय घनघोर बादल आ गए और वर्षा प्रारंभ हो गई, अनावृष्टि समाप्त हो गई। श्रृंगी जी के चरण पड़ते ही अंग देश में जो अनावृष्टि थी, आपद था, वो आपद निवृत्त हो गया। संत दरस जिमि पातक टरे, संतों के आशीर्वाद से, उनके वचन से दुख की निवृत्ति, आपत्ति की निवृत्ति होती है, लेकिन वो कुछ कहें आशीर्वाद दें उसके पहले उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति की आपत्ति और दुख दूर हो जाता है। संत दरस जिमि पातक टरे, श्रृंगी महर्षि आए, उनका दर्शन होते ही लोग सुखी हो गए, अनावृष्टि समाप्त हो गई। आनंद पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के गए और दिव्य मंडप का निर्माण पहले से तैयार था सब कुछ। और महाराज रोमपाद ने अपनी कन्या शांता का कन्यादान किया और ज्यों ही शांता जी का कन्यादान किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की और बड़े धूमधाम से श्रृंगी महर्षि का शांता जी के साथ विवाह हो गया। जब विवाह हो गया, पीछे से विभांडक महर्षि खोजते खोजते पता लगाते हुए पहुंचे। पता लगा, रे जिस छोरे को बेटे को हम परम योगी बनाना चाहते थे, राजा रोमपाद ने मेरे बेटे का विवाह कर दिया, गृहस्थ बना दिया। बड़ा क्रोध आया, पहुंचे क्रोध में तमतमाते हुए, लोग डर गए थे कि विभांडक महर्षि साप दे देंगे, नगर नष्ट हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने सलाह दी, देखो ब्राह्मणों के पास तपस्या का बल होता है, तप बल विप्र सदा बरियारा। लेकिन ब्राह्मण में एक और विशेषता होती है, ब्राह्मण दयालु भी होता है, उसके हृदय में करुणा भी होती है। ब्राह्मणों ने सलाह दी कि महाराज जब आए तो बरवधु को, श्रृंगी महर्षि को और शांता को, बरवधु को तैयार करके सजा करके उनके चरणों में उपस्थित करना और कहना प्रणाम करो, आशीर्वाद करो। विभांडक महर्षि जब आए तो श्रृंगी महर्षि को और शांता जी को बुला करके महाराज रोमपाद ने विभांडक महर्षि के चरणों में प्रणाम कराया और महाराज रोमपाद ने कहा, ये आपके पुत्र हैं, ये आपकी पुत्र वधु है, ऐसी दिव्य जोड़ी को आप आशीर्वाद दो। विभांडक महर्षि ने जब अपने पुत्र को दूल्हा वेश में देखा और बहू को देखा, सारा क्रोध शांत हो गया। विभांडक महर्षि ने सोचा, ऐसी सुंदर जोड़ी को तो आशीर्वाद देना चाहिए, अब शाप देने से कुछ होने वाला, ऐसी जोड़ी को तो आशीर्वाद दें, ठाकुर जी की यही इच्छा थी तो अच्छी बात है, हर इच्छा जो होती है वही प्रबल होती है, भगवान की यही इच्छा। ये सोचकर विभांडक महर्षि ने वरवधु को आशीर्वाद दिया और चले गए।
तपस्या करने के लिए श्रृंगी महर्षि अपनी पत्नी शांता जी के साथ अंग देश में रहते थे, ये उनकी कथा है। ये सब बात सुमंत जी ने महाराज दशरथ को बताई। दशरथ जी ने कहा ऐसे महामुनि को, महात्मा को आदर पूर्वक हम लेकर के आए, इसके लिए हमें चलना चाहिए। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, एक दूत भेज देते महाराज रोमपाद के पास। रोमपाद एक देश के राजा, दशरथ जी संपूर्ण पृथ्वी के राजा। दशरथ जी संदेश भेज देते कि महाराज आप अपने पुत्री को और अपने जामाता को आदर पूर्वक अयोध्या भेज दें, मुझे यज्ञ करना है। तो महाराज रोमपाद इतने में ही अपने को धन्य समझते और भेज देते। लेकिन दशरथ जी की शिष्टता देख दशरथ जी ने सोचा मुझे यज्ञ करना है, आचार्य के रूप में और मार्गदर्शक के रूप में, ऋत्विक के रूप में मुझे उनका वरण करना है, इसलिए मुझे स्वयं चल करके जाना चाहिए और आदर पूर्वक उन्हें बुला करके लाना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने अपनी सेना तैयार की, तीनों रानियों को लिया, मंत्रियों को लिया और अयोध्या से चल करके अंग देश गए। 7 दिन वहां रुके, 1 सप्ताह, और 7 दिन रुकने के बाद तब तक महाराज रोमपाद को पता नहीं चला ये क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। जब 7 दिन बीत गए तब महाराज दशरथ ने कहा राजन यहां आने का मेरा एक प्रयोजन है। बोले क्या प्रयोजन है? तब महाराज ने कहा कि आप अपने दामाद को और अपनी बेटी को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन होगा। और तब आदर पूर्वक श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए। श्रृंगी महर्षि अयोध्या आ गए, शांता जी आ गए, सारी तैयारी हो गई, लेकिन यज्ञ भी प्रारंभ नहीं हुआ। क्यों? बोले सब कुछ तो आ गया, कराने वाले तैयार हैं, यज्ञ करने वाले यजमान तैयार हैं, वस्तुएं उपस्थित हो गईं, लेकिन एक चीज अभी नहीं आया। बोले क्या नहीं आया? बोले मुहूर्त नहीं आया। मुहूर्त आए तब यज्ञ प्रारंभ हो। इसीलिए वाल्मीकि जी कहते हैं तत्काले बहुतिथे कस्मिश्चित सुमनो हरे। श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद जब सुंदर मुहूर्त आया, सुंदर काल आया, कौन सा काल? बोले बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई। तब बसंत ऋतु में राग्यो यष्टुम मनोभवत, तब महाराज दशरथ का यज्ञ करने का संकल्प हुआ और देवताओं को ऋषियों को प्रणाम करके यज्ञ का संकल्प लिया और यज्ञ प्रारंभ हुआ। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। 1 वर्ष तक कर्मकांड की प्रक्रिया चलती रही और जब 1 वर्ष पूरा हो गया फिर बसंत ऋतु आ गई। पुनः प्राप्ते बसंते तू, पुनः बसंत ऋतु आ गई, 1 वर्ष बीत गया। पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया। तब विशेष तैयारी हुई। क्यों? बोले 1 वर्ष तक तो कुछ इष्टियां कुछ विधान चलता रहता है, जब अंतिम समय आता है यज्ञ की पूर्णाहुति का तब विविध अनुष्ठान और अनेकानेक विविध विधान संपादित होते हैं और उसी समय अतिथियों का आना, बड़े बड़े राजाओं का आमंत्रण हुआ और बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए, अन्न क्षेत्र चलने लगा, भंडारा चलने लगा। दशरथ जी ने अपने मंत्रियों से कहा देखो जो लोग आवे कोई भूखे न जाएं, सबको भोजन कराओ और इस भाव से भोजन कराओ कि मुझे सेवा करनी है, दातव्य मन्नम विधिवत सत्कृत्य न तुलीलया। किसी को अन्न दान करो तो सत्कार पूर्वक, न तु लीलया, लीला पूर्वक नहीं। ये लीला पूर्वक क्या है? बोले दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए। कितने लोग गरीबों को भोजन कराएंगे तो अपने हाथ से 2-4 रोटी बांटने का अनुभव करेंगे और अपने आदमी से कहेंगे जरा वीडियो बनाओ, तो मोबाइल में वीडियो बनेगा,
फिर उसको अपलोड किया जाएगा, दुनिया देखे कि हम गरीबों को खिला रहे हैं। तो ये क्या है, बोले ये लीला पूर्वक देना हुआ। दातव्यम अन्नम विधिवत सत्कृत्य न तु लीलया। दशरथ जी कहते लीला पूर्वक नहीं, ऐसी लीला मत करो, किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, दान करो, लेकिन अपने धन के दातृत्व के अभिमान में किसी की विपन्नता का उपहास करना यह धर्म नहीं है। उसकी गरीबी की मजाक उड़ा रहे, उसके मोहल्ले के लोग जानते थे कि बेचारा गरीब है, खाता नहीं, तुमने वीडियो बना के सारी दुनिया में दिखाया, ये देखो ये गरीब है, खाता नहीं, इसको अन्न नहीं मिलता, तुमने उसका उपहास किया, ये अपराध है। मोबाइल इसलिए नहीं है कि हर चीज की वीडियो बनाओ, जहां देखो वहीं लोग वीडियो बनाने लगे, खाते पीते उठते बैठते वीडियो बनाओ फोटो खींचो, वीडियो बनाओ फोटो खींचो, ये वीडियो फोटो में ही सारी जिंदगी तुम्हारी उसी मोबाइल के अंदर उसी मशीन में रहेगी, वास्तविक जिंदगी समाप्त हो जाएगी। वास्तविक जीवन जीने का प्रयास करो, डिजिटल जिंदगी नहीं। मोबाइल में हम कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसमें हमारी फोटो कितनी बढ़िया आ रही है, महत्वपूर्ण हो गया। वास्तव में हम कितने अच्छे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं। फेसबुक पर हम अपने विचारों को रखते हैं, बड़े अच्छे सुविचार, लेकिन जीवन में उन विचारों का एक भी पालन नहीं। कोई अच्छा मैसेज आया तुरंत ऐसे आगे जाए, लोग जाने कि इन्होंने भेजा, जबकि उसका खुद का वो विचार नहीं है, उसमें कोई निष्ठा नहीं है, न उसमें कोई उसका भाव है। ये बनावटी जिंदगी जीते जीते व्यक्ति बनावटी होता चला जा रहा है, मशीनों की जिंदगी जीते जीते मशीन जैसा होता चला रहा जा रहा है, जैसे मशीन का कोई अपना भाव नहीं होता, उसकी अपनी संवेदना नहीं होती, तदवत उसी प्रकार से मानव का जीवन यंत्रमय होता चला जा रहा है। यह मानव संस्कृति के लिए, मानव जाति के लिए एक महान अभिशाप बन जाएगा आने वाले समय में। एक महात्मा कहते थे सतयुग में भगवान का अवतार हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए, त्रेता में भगवान का अवतार हुआ कुंभकर्ण और रावण का वध करने के लिए, द्वापर में भगवान का अवतार हुआ शिशुपाल और दंतवक्र का वध करने के लिए, कलयुग में भगवान का अवतार होगा किसका वध करने के लिए? हमने कहा आप ही बताओ। बोले कलयुग में भगवान का अवतार होगा गूगल और नेटवर्क का वध करने के लिए, क्योंकि ये दो कलयुग के महाभूत हैं, इन दो राक्षसों का वध करने के लिए भगवान का अवतार होगा, क्योंकि सारी समस्या यही है। बंधुओं दान करो, यज्ञ करो, पुण्य करो, लेकिन कभी किसी का उपहास मत करो। दातव्यम अन्नम विधिवत सतकृत्य न तु लीलया। दशरथ जी कहते हैं लीला पूर्वक नहीं, प्रेम पूर्वक। सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवंति सुसत्कृता। सभी वर्ण के लोगों की पूजा हो, सबका सम्मान हो। वर्ण के नाम पर, वर्ण एक व्यवस्था है, इसीलिए हमारे यहां वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था है, वर्ण एक व्यवस्था मूलक सिद्धांत है, न कि भेद मूलक और द्वेष मूलक। लेकिन वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को आज के राजनीतिक लोगों ने भेद मूलक और द्वेष मूलक मानकर उसकी अनुचित व्याख्या प्रारंभ की और जनता में, समाज में भ्रम उत्पन्न किया राजनेताओं। दशरथ जी कहते हैं सर्वे वर्णा यथा पूजाम प्राप्नुवंति सुसत्कृताः। सभी वर्ण के लोग आवे और सबकी पूजा हो, सबका यथोचित सम्मान हो। वर्ण के नाम पर किसी के साथ भेदभाव न हो, ये सब दशरथ जी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया। अब तो सबको निमंत्रण भी भेजा। सबसे पहला निमंत्रण अश्वमेध यज्ञ का मिथिला भेजा गया जनकपुर। दशरथ जी ने मिथिला नरेश जनक जी को निमंत्रण दिया। मिथिलाधिपतिम सूरम जनकम सत्यवादिनम। सबसे पहला निमंत्रण जनक जी को भेजा गया। क्यों? बोले पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इस पंक्ति का अर्थ यह है, एक सीधा अर्थ तो यह है कि पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा,
ये पूर्व संबंधी हैं दशरथ जी। क्या संबंध है? बोले जनक जी का कुल और दशरथ जी का कुल एक ही है। महाराज इक्ष्वाकु और निमि ये भाई ही थे और वहां से दोनों के वंश भिन्न भिन्न हैं, दोनों कुल एक ही कुल है। इस संबंध का स्मरण करते हुए पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, इसलिए सबसे पहले इनको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, दशरथ जी कहते। और दूसरा अर्थ बोले पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा, इनसे हमारा पूर्व संबंध तो है लेकिन अब फिर इनके यहां संबंध होगा, हमारा जो बेटा होगा उसका ब्याह इनके यहां हो, इस संबंध का पहले ही मानो अनुस्मरण कर लिया। पूर्वम संबंधिनम ज्ञात्वा ततः पूर्वम ब्रवीमिते, और फिर जनक जी को निमंत्रण गया, काशी नरेश को निमंत्रण गया, और भी बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया। बड़े बड़े राजा लोग आए दशरथ जी के यज्ञ में, और यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, यज्ञ की पूर्णता का जब समय आया, यज्ञ का जो अश्व था वो एक वर्ष तक घूमने के बाद जब अश्व लौट करके आया तो उस अश्व के द्वारा ही यज्ञ की पूर्णता हुई। और यज्ञ में जब प्रधान याग होने लगा तो प्रधान याग के समय में जब बपा याग हुआ तो बपा याग की जो सुगंधि प्रकट हुई उस सुगंधि को दशरथ जी ने अनुभव किया। धूम गंधम बपायास्तु जिघ्रति स्म नराधिपः, बपा याग होने पर बपा की दिव्य गंध का दशरथ जी महाराज ने ग्रहण किया। और यज्ञ में जब पूर्णाहुति हुई, यज्ञ पूर्ण हुआ तो दशरथ जी महाराज ने यज्ञ कराने वाले उन ब्राह्मणों को अध्वर्यु होता ब्रह्मा उद्गाता चारों ऋत्विजों को और उनके समूह को दशरथ जी ने दान किया, संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया। संपूर्ण पृथ्वी प्राचीम होत्रे ददौ राजा दिशम स्वकुल वर्धना, पूर्व दिशा की जितनी धरती थी वो होता को दे दिया, ऋग्वेद के विद्वानों को। अध्वर्यवे प्रतीचीम तू, और इस प्रकार से पश्चिम दिशा की संपूर्ण भूमि अध्वर्यु को दे दी, और उत्तर दिशा की संपूर्ण भूमि को उद्गाता को दे दिया जो सामवेद के विद्वान थे। दक्षिण ईशा विनिर्मिता, और ब्रह्मणे दक्षिणाम दिशम, दक्षिण दिशा की जो भूमि थी वो सब ब्रह्मा को दे दिया। ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता इन चारों ऋत्विजों को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं की संपूर्ण धरती का दान कर दिया। जब दान कर दिया तो उन ब्राह्मणों ने दान स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के बाद ब्राह्मणों ने कहा महाराज अब ये आप ले लो। बोले दान की गई वस्तु लेना नहीं चाहिए, दान की गई वस्तु का जो पुनः उपभोग करता है वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। कृष्णावतार में भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः, अपने द्वारा दी गई हो किसी दूसरे के द्वारा दी गई हो उस ब्रह्म वृत्ति का ब्रह्म सत्व का जो व्यक्ति हरण करता है भोग करता है, 60,000 विष्टायाम जायते कृमि, वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता है। दशरथ जी ने कहा ये दान की गई वस्तु को मैं पुनः ले लूं ये तो अधर्म हो जाएगा। तो ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज आपने तो दान किया है लेकिन ये पृथ्वी का पालन करना ये मेरे बस की बात नहीं है,
ये हमारा धर्म नहीं है। अब दान लेना तो हमारा धर्म है, लेकिन राज्य का दान लेकर के फिर राज्य चलावें, राज्य करें, ये हमारा काम नहीं। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म है स्वाध्याय, अध्ययन, प्रवचन, तप, ये ब्राह्मण का धर्म है। ब्राह्मणों ने कहा न भूम्याकार्यम अस्माकम्, ये पृथ्वी का पालन करना हमारा काम नहीं है। न भूम्याकार्यम अस्माकम्, नहीं सकता स्म पालने, और हम पृथ्वी का पालन करने में समर्थ भी नहीं। क्यों? बोले हमको अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम दूसरे का काम कहां कर पाएं। बोले क्या काम आपका है? बोले रता स्वाध्याय करने, हम स्वाध्याय में ही लगे रहने वाले लोग, हमारा तो यही काम। रत स्वाध्याय करने वयम नित्यम ही भूमि पर, हे राजन हम तो स्वाध्याय और अध्ययन में रहने वाले लोग हैं, इसलिए ये आप ले लो। दशरथ जी ने कहा आप दान की गई वस्तु हम कैसे ले लेंगे। तब ब्राह्मणों ने रास्ता निकाला, ये सब करने वाले तो ब्राह्मण है, सारा रास्ता यही बताएंगे धर्म का। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप ऐसा करो कि अब ये सारी पृथ्वी तो हम लोगों की हो गई, तो इसके बदले में कोई वस्तु आप हमको दे दो और आप इसको ले लो, तब आपको दोष नहीं लगेगा और हम जो मांगे वो दे दो। दशरथ जी ने कहा ठीक। तो किसी ब्राह्मण ने कहा हमको 1000 गाय दे दीजिए, किसी ने कहा हमको 100 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए, किसी ने कहा कुछ हमको अन्न दे दीजिए। वही अन्न लेकर के, गाय लेकर के, स्वर्ण मुद्रा लेकर के संपूर्ण धरती दशरथ जी को वापस कर दिया। निष्क्रियम किंचिदेवेह प्रयच्छन्तु भवानिति, मणि रत्नम सुवर्णम वा गावो यद्वा समुद्यतम। और फिर इसके बाद दशरथ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन अश्वमेध तो हो गया, अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा और उसका परिणाम ये होगा आपको चार चार पुत्र की प्राप्ति होगी। भविष्यन्ति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वाहः, चार पुत्र उत्पन्न होंगे और ऐसे पुत्र होंगे कुलोद्वाहः, तुम्हारे कुल की परंपरा का निर्वाह करने वाले, कुलीन, सदाचार संपन्न, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, धीर धरो हुई हैं सुत चारी। और फिर श्रृंगी महर्षि ने अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, गुरुदेव भगवान कहा करते थे अश्वमेध यज्ञ तो सरजू जी के उस पार हुआ मखौड़ा में, लेकिन पुत्र कामेष्टि अयोध्या में हुआ। पुत्र कामेष्टि, पुत्र की प्राप्ति के लिए दशरथ जी ने जो प्रधान यज्ञ पुत्र कामेष्टि किया वो अयोध्या में ही हुआ, उनकी अपनी नित्य अग्निहोत्रशाला में, क्योंकि इष्टि थी वो तो वहीं हो जाती, उसके लिए अलग से कोई मंडप का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। जब श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि प्रारंभ की और पुत्र कामेष्टि का संकल्प हुआ, ब्रह्मा ऋत्विज का वर्ण हुआ, अध्वर्यु होता, सारे ऋत्विज वेदिका में उपस्थित हुए, पात्रा साधन हो रहा था, उसी समय देवता लोग हविर ग्रहण के लिए, आहुति ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ मंडप में अव्यक्त रूप से आए। यज्ञ होता है तो देवता आहुति ग्रहण करने के लिए आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि देवताओं को परोक्ष प्रिय होता है। परोक्ष प्रिया ही देवाह प्रत्यक्ष द्विषः, देवताओं को परोक्ष प्रिय है, प्रत्यक्ष उनको प्रिय नहीं, इसीलिए देवता परोक्ष में रह करके सारा काम करते जब देवता ही, लेकिन वो परोक्ष में रहते हैं, प्रत्यक्ष सामने नहीं आते। देवता लोग आए और ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, अश्वनी कुमार सब देवता आए। भाग प्रतिग्रहार्थम वही समवेता यथा विधि, अपने अपने भाग का ग्रहण करने के लिए समवेता, एक जगह सभी समवेत हुए, एकत्रित हुए, और जब आए तो आपस में चर्चा भी होने लगी।
दस आदमी एक जगह बैठे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा होगी, ऐसा तो नहीं होगा कि सब चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ तो बोलेंगे कहेंगे एक दूसरे से। वो सारे देवता जब दशरथ जी के यज्ञ में आए तो आपस में चर्चा करने लगे। क्या चर्चा हुई? बोले किसी देवता ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आपने रावण को अजर अमर होने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाकर आपने विश्व के लिए एक संकट पैदा कर दिया, आज रावण के आतंक से सब दुखी हैं। सब ने अपना अपना दुखड़ा सुनाया ब्रह्मा जी को। वहां पर नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे बाति न मारुतः अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहितः। आपके वरदान के द्वारा वो इतना दुर्धर्ष हो गया रावण कि सूर्य भगवान भी उसके सामने जाते हैं तो तपते नहीं। सूर्य भगवान को भी सोचना पड़ता है, ज्यादा तपेंगे तो कहीं ये रावण कुछ उपद्रव न खड़ा कर दे, क्योंकि वो वरदान प्राप्त करके शक्तिशाली था। सारे देवता रावण के आतंक से त्रस्त थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा कि स्वयं ब्रह्मा जी रावण के दरबार में जाकर के समय से वेद पाठ करते। रावण दुराचारी तो था, दुष्ट था, लेकिन कुछ उसमें अच्छाइयां भी थी। क्या अच्छाई थी? बोले वेद पाठ सुनता था, स्वयं संध्या वंदन भी करता था, अग्निहोत्रादि धर्म का पालन भी करता था, लेकिन दुराचारी भी था, दुष्ट भी। इसी कारण से उसके सत्कर्म भी निंदनीय हो गए। कारण बोले विष कुंभम पयो मुखम, भीतर जहर भरा हो और ऊपर दूध हो तो दूध यद्यपि अमृत है परंतु उसके नीचे जहर भरा हुआ, इसलिए ऐसे दूध का व्यक्ति त्याग कर देता है, उसके प्रति कोई लिप्सा नहीं होती। उसी प्रकार से रावण के अत्याचार अनाचार पापाचार के कारण उसके द्वारा किए जाने वाले धर्म भी तिरस्कार के योग्य थे, इसलिए रावण को अधर्मी और पापी ये सब कहा गया। तो रावण के यहां वेद पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी को जाना पड़ता। गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद पढ़े विधि, विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जाकर के वेद पाठ सुना देते। शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे, भगवान शंकर की उपासना करता रावण। तो रावण ने भगवान शंकर से कहा, अब हम बार बार दौड़ करके आपके कैलाश में आपकी पूजा करने आए, बड़ा श्रम होता है। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम वही लंका में रहना, हम वहीं आ जाएंगे, हमारी पूजा कर लेना, तुमको आने की जरूरत नहीं। भगवान शंकर ने सोचा, चलो अच्छा है, ऐसा उपद्रवी आदमी हमारे घर आवे, इससे अच्छा हम ही इसके घर चले जाएं। समय से भगवान शंकर भी शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। देवगुरु बृहस्पति भी अपना दुख बताने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, रावण के सेवक हमको डांट देते हैं, स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अये जड़मति बृहस्पति, कम बोलो चुपचाप बैठो। बड़ी दुर्दशा थी महाराज, रावण के आतंक से सभी देवता त्रस्त थे और यज्ञ चल रहा था, उसी यज्ञ में सब आए थे। दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में चर्चा होने लगी। सबने ब्रह्मा जी से कहा कि हम क्या करें, इस दुख की निवृत्ति कैसे होगी? ब्रह्मा जी कुछ सोचते, वे देवता कुछ प्रयास करते, तब तक उन देवताओं के मध्य में भगवान नारायण अपने गरुड़ पर बैठ करके आ गए। देवता तो पहले से ही आए थे, भगवान नारायण भी आ गए। यहीं पर कथा में थोड़ा सा अंतर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवताओं ने भगवान को बुलाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, कोई स्तुति नहीं की, उनके दुख को देख करके भगवान स्वयं आ गए। और मानस रामायण में गोस्वामी जी महाराज का जो भाव है कि देवताओं की सभा हुई और सभा में विचार हुआ, भगवान कहाँ मिलेंगे,
भगवान शंकर ने कहा, भगवान सब जगह हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना। भगवान तो सब जगह हैं, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट हैं जिमि आगी। इसलिए जहां भी भगवान को पुकारो, भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान शंकर की बात सबको प्रिय लगी। अब सभी देवताओं ने ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, ब्रह्मा जी के सम्मुख भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कर। उन देवताओं की स्तुति को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी की। भगवान ने कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हो नर वेशा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महा तप कीना, तिनको में पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कोसलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरी हो जाई। ये आकाशवाणी भगवान ने की। देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने यहां चले गए। और यहां श्री रामायण के अनुसार दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में जो देवता आए थे, उन्हीं के मध्य में ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी से देवता लोग ये सब बातें कह रहे थे, तब तक भगवान प्रकट हो गए। ए तस्मिन्नंतरे विष्णु उपयातः, भगवान आ गए। कौन भगवान आ गए? बोले विष्णु हूं। ए तस्मिन्नंतरे विष्णु हूं, विष्णु का मतलब व्यापक तत्व, जो कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे व्यापक तत्व परम तत्व परमात्मा भगवान आ गए। महाद्युति ही, जिनका प्रकाश अत्यंत महान, महाद्युति ही देदीप्यमान द्युति से युक्त भगवान प्रकट हो गए। क्या रूप है भगवान का? तो वाल्मीकि जी कहते हैं चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पाणी ही, शंख चक्र गदा भगवान के जो आयुध हैं, आयुधों को लिए हुए शंख चक्र गदा पाणी ही, पीतवासा पीतांबर धारण किए हुए जगतपति ही, जगतपति आए। इन शब्दों की बड़ी लंबी व्याख्या है हमारा। पीतवासा, भगवान पीतांबर पहने हुए, पीतांबर कोई भी पहन ले, लेकिन वो पीतांबर नहीं कहलाता है। उसका कपड़ा पीतांबर कहलाता है, लेकिन वो पीतांबर नहीं कहलाता। यहां पर पीतांबर में जो समास है, पीता अंबरो यस्य, पीला है वस्त्र जिसका, असौ पीतांबर, वो पीतांबर। ये पीतांबर भगवान का असाधारण नाम है। पीतांबर भगवान का असाधारण नाम है, और पीतांबर शब्द के द्वारा भगवान का बोध होता है। और बाकी सबके लिए अंबर है, बाघंबर, श्वेतांबर, दिव्यांबर, दिव्यांबर धर दिव्य गंधानुलेपन, लेकिन पीतांबर तो भगवान का ही असाधारण स्वरूप है। इसलिए पीतवासा, पीतांबर धारण करके भगवान आए। पीतवासा, जहां भी भगवान के स्वरूप का जब वर्णन होता है तो पीतवासा, पीतांबर। श्रीमद् भागवत में भी जब गोपियों के मध्य में भगवान प्रकट हुए तो वेद व्यास जी कहते हैं कि तासा मा विरभूत छौरिस्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ पीतांबर। ऐसे तो भगवान कोई भी वस्त्र धारण करें उनको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उनका नित्य स्वरूप में पीतांबर का ही वर्णन वेदों में, पुराणों में सर्वत्र प्राप्त होता है। तो भगवान पीतांबर धारण किए हुए पीतवासा, जगतपति ही, सारे जगत के जो स्वामी जगन्नाथ पधारे। अब तीसरा विशेषण दे रहे हैं, कैसे आए? बोले वैनतेयम समारोह्य, भगवान अपने गरुण पर बैठ करके आए।
गरुण भगवान का वाहन है और वेदमय है भगवान गरुड़। निखिल वेद नीडाधिरूढ़, निखिल वेद जिनका नीड है, नीड माने घोंसला, पक्षी जिसमें रहता है उसको कहते हैं नीड, और नीड माने घोंसला हिंदी में जिसको कहा जाए। गरुण जी महाराज निखिल वेद नीडाधिरूढ़, निखिल वेद ही जिनका नीड है, जो वेदात्मा है। वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन मोहिनी, ऐसे भगवान श्री हरि गरुण के पीठ पर बैठ करके आए वेदों में गरुण। वैनतेयम समारुह्य, वैनतेयम समारुह्य भास्करस्तो यदम यथा तप्तहाटके वूरो वंद्यमान सुरोत्तमैहि। अनेक देवताओं के द्वारा वंद्यमान भगवान गरुण पर विराजमान होकर देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। देवताओं ने भगवान नारायण का जब दर्शन किया तो सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भी कहा समभिष्टु यसन्नताः, सबने भगवान की स्तुति की और सब सन्नताः, सन्नताः माने शरणागति करने लगे, सम्यक रूपेण नताः नत हो गए, शरणागत हो गए, यही शरणागति हो रही देवताओं की, सन्नताः। देवताओं ने भगवान की शरणागति, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण शरणागति ग्रंथ है, इसमें पग पग पर शरणागति का ही वर्णन है, और सबसे पहले देवताओं की शरणागति हो रही, और एक दो देवता की नहीं, ब्रह्मा जी के सहित जितने देवता हैं सब भगवान की शरणागति। ये रामायण का संकेत यही है कि जिन भगवान की शरणागति ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर आदि सब देवता करते हैं, उन्हीं भगवान की शरणागति हमको भी करनी चाहिए। जिनकी शरण में सब गए उन्हीं की शरण में हम भी जाएं, ये प्रमाण है। सन्नताः, सब ने शरणागति की, और शरणागति करके सबने कहा त्वाम योक्षामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया, आपको समस्त लोकों की हित कामना के लिए, लोक की रक्षा के लिए हम वरण करते हैं। ये शरणागति का दूसरा भाव है। शरणागति का मतलब रक्षकत्वेन भगवान का वरण, भगवान हमारे रक्षक हैं ये निश्चित हो जाए, बुद्धि हमारी इस बात को स्वीकार कर ले और इस रूप में हम भगवान का वरण करें। गोत्रत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का वरण करना। जब तक आप रक्षक के रूप में भगवान का वरण नहीं करोगे तब तक भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। क्यों? बोले संसार तंत्र वाहित्वात् रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान रक्षा की अपेक्षा चाहते हैं, ये जीव रक्षक के रूप में मेरा वरण करे तब मैं इसकी रक्षा करूं। वरण तो जीव को करना पड़ेगा रक्षक के रूप में भगवान का, इसी को वेदों ने कहा कि यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, तो जीव भगवान का वरण करे, यही शरणागति है। लेकिन जीव के द्वारा भगवान का वरण हो ये शरणागति, लेकिन ये शरणागति भी सफल तब होती है जब जीव के द्वारा अपनी रक्षा के लिए भगवान का वरण किए जाने पर भगवान के द्वारा उस जीव का वरण हो जाए। जीव ने तो वरण कर लिया लेकिन भगवान ने तुम्हारा वरण नहीं किया, तब नहीं होगा। तब बोले तो भगवान को वरण करना पड़ेगा, जीव भी वरण करे और जीव के वरण के बाद भगवान उस जीव का वरण करे। बोले पहले कौन करेगा? बोले पहले भगवान नहीं करेंगे, पहले जीव को वरण करना होगा, पहले जीव भगवान का वरण करे, फिर उसके वरण को देखकर भगवान को अच्छा लगेगा इसने मेरा वरण किया है, फिर वो भगवान को प्रिय लगेगा। भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं प्रियतम ही वर्णीयो भवति, श्री भाष्य में प्रियतम ही वर्णीय होता है। तो जब वो वरण कर लेगा तो भगवान को प्रिय नहीं होगा, प्रियतर नहीं होगा, अपितु प्रियतम होगा। प्रिय तो सब है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, प्रिय तो सारी सृष्टि भगवान को है, लेकिन प्रियतम कौन है? सृष्टि सारी भगवान को प्रिय है, पामर प्राणी पापी भी भगवान को प्रिय है, ऐसा नहीं है कि वो अप्रिय है।
सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन उसमें भी जो भगवान के चिंतन में भक्ति में लग गए वो प्रियतर। और इसके आगे बोले, भक्ति और चिंतन करते हुए जिन्होंने अपना समर्पण कर दिया ठाकुर के चरणों में, उनका वरण कर लिया, वो प्रियतम, वो प्रियतम। और वो प्रियतम सेवक भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मम प्रिय, लेकिन जो भगवान का वर्ण कर ले वो भगवान को प्रियतम होता है, क्योंकि प्रियतम का ही तो वर्ण किया जाता है, प्रियतम ही वर्णीयो भवति। तो जब जीव कर्तृक परमात्मा का प्रियतमत्वेन वर्ण हो जाता है, तब परमात्मा के द्वारा परमात्म कर्तृक प्रियतमत्व वर्ण प्रियतम जीव का वर्ण होता है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि जीव ने तो आपको जानने का प्रयास किया, शुरुआत की, आपकी ओर आगे बढ़ा, आपका उसने वर्ण किया, लेकिन वो तब तक आपको प्राप्त नहीं कर पाएगा, जान नहीं पाएगा, जब तक आप उसका वर्ण नहीं करोगे। इसी भाव को गोस्वामी जी कहते हैं, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानई भगत भगत उर चंदन। तो भगवान से उन जीवों ने, देवताओं ने प्रार्थना की, शरणागति की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, भयम त्यजत भद्रम वो, आपका कल्याण हो, भय का त्याग करो, मैं आ गया हूं। युथार्थम हिदि रावणम, हितार्थम युधि रावणम, आप सबके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा, सपुत्र पौत्रम उसके पुत्र को भी मार दूंगा, उसके नाती पोता को भी हम मार डालेंगे, सपुत्र पौत्रम सगणम सामात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके मंत्रियों को, उसके ज्ञातियों को, उसके संबंधियों को, जो जो उसके पक्ष में होगा सबको हम मार देंगे आपके सुख के लिए। भगवान ने संकल्प किया, देवता बड़े प्रसन्न हुए, रावण वध का विचार भगवान ने बनाया, बोले मैं अवतार लेकर के इन दुष्टों का संहार करूंगा, हत्वा कूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम। सब लोग सोचने लगे, भगवान आएंगे, अवतार लेंगे, रावणादासुरों को मारेंगे और चले जाएंगे, क्यों? बोले पहले भी ऐसे ही हुआ था, भगवान खंभे से प्रकट हुए, नरसिंह भगवान, यस्तंभात गर्जमानो, गर्जना की, खंभे से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा, मार दिया, चले गए। बराह भगवान का अवतार हुआ, आए हिरण्याक्ष को मारा, चले गए। देवताओं ने सोचा ऐसे ही आएंगे, भगवान रावण को मारेंगे, चले जाएंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। बोले तब, बोले रावण को मारने के बाद 11,000 वर्ष तक इसी धरती पर रहेंगे, 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च, अन्य अवतारों की तरह आए और चले गए ऐसा नहीं होगा। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानी च बत्स्यामि मानुषे लोके, इसी मनुष्य लोक में मैं रहूंगा, बत्स्यामि मानुषे लोके, किस लिए? बोले पालयन पृथ्वीं इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने, इमाम समुपस्थिताम, इमाम का अर्थ होता है इयम अयम, इन शब्दों का अर्थ होता है सम्मुख उपस्थित, जैसे अयम बालक, तो अयम बालक का मतलब यही हुआ कि ये सामने जो बालक खड़ा है, सम्मुख उपस्थित का संबोधन है, सम्मुख उपस्थित का संकेत होता है। उसी तरह इयम कन्या, ये कन्या जो सामने खड़ी है, तो इयम का मतलब सम्मुख उपस्थिता। तो यहां पर भगवान कहते हैं पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक रहूंगा। उस समय भगवती भूदेवी उन देवताओं के मध्य में भगवान के सामने ही खड़ी थी, इसीलिए भगवान ने कहा
असुरों का संहार तो मैं करूंगा, लेकिन इस धरती का पालन करने के लिए, पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी का पालन करने के लिए, इसे सुख देने के लिए मैं 11,000 वर्ष तक इसी धरती पर रहूंगा। वो देवी तो प्रसन्न हो गए, इतना दीर्घकालिक संश्लेष मुझे पहली बार प्राप्त हो। एक बार ठाकुर आए, मुझे अपनी गोद में उठा लिया, अपने दाढ़ों पर रख लिया। ठाकुर की गोद तो मिली, उनके मुखारविंद का, अधरों का संस्पर्श तो प्राप्त हुआ वराह अवतार में, लेकिन उनके चरणों की रज मुझे नहीं मिली। ठाकुर ने कहा, चिंता मत करो, इस बार 11,000 वर्ष में धरती पर रहूंगा, मेरे चरण से तुम्हारा मस्तक पवित्र और पूत होता रहेगा। 11,000 वर्ष तक भगवान अयोध्या में रहे। धरती ने कामना की कि ठाकुर के चरणों की रज हमें मिले, इसलिए भगवान ने कहा हम 11,000 वर्ष रहेंगे। वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम एवं दत्त्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान। इस प्रकार देवताओं को वरदान दे करके आत्मवान भगवान विष्णु हूं, भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। ततः पद्मपला साक्षकृत्वा आत्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपं। फिर तो भगवान ने विचार किया, मैं अपने को चार रूपों में प्रकट करूं और इन्हीं दशरथ जी को पिता बनाऊं। भगवान ने देवताओं से कहा, ये महाराज दशरथ पुत्र कामेष्टी कर रहे हैं, मैं इनका पुत्र बनने जा रहा हूं। ये कह करके भगवान उन देवताओं के मध्य से अंतर्धान हो गए और अंतर्धान होकर के कहीं गए नहीं। उसी क्षण इधर देवताओं से वार्ता हुई, भगवान अंतर्धान हुए और इधर यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पाठ कर रहे थे, आहुति दी जा रही थी, तब तक अग्निकुंड से प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हुआ। प्राजापत्य पुरुष का जब प्रादुर्भाव हुआ तो उस प्राजापत्य पुरुष के हाथ में जो चरु का पात्र था, खीर लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। भगवान देवताओं के मध्य से अंतर्धान हुए और उसी चरु में भगवान प्रविष्ट हुए। प्राजापत्य पुरुष के हाथ में जो पायस था, उसी पायस में भगवान प्रविष्ट हो गए और प्राजापत्य पुरुष ने वो पायस, दिव्य पायस संपूर्णाम पात्रीम पत्नीम इव प्रियाम, उस पायस पात्र को अग्नि देवता ने दशरथ जी को दिया और कहा, इदम तु नृपशार्दूल पायसम देव निर्मितम। ये पायस देव निर्मित है, ये खीर दूध से, चीनी से, चावल से नहीं बनी हुई है। बोले देव निर्मितम का मतलब देव माने देदीप्यमान तेजोमय जो परमात्मा भगवान है, वे भगवान ही पायस बन गए हैं। देव निर्मितम देव एव कह देव भगवान श्रीमन्नारायण सैव पायस रूपेण निर्मित, वे भगवान ही पायस बन गए हैं। और इस पायस को लो, प्रजा करम ये पुत्र देने वाला है, गृहाणत्वम इसे ग्रहण करो, धन्यमारो धान्यम धन्यमारोग्य वर्धनम ये धन और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है, और अपनी भार्याओं को ये पायस खिला दो। अग्नि देवता ने जब कहा तो गुरुदेव की अनुमति लेकर के दशरथ जी ने उस पायस को लेकर अपनी तीनों रानियों को दे दिया। आधा पायस कौशल्या जी को दे दिया, जो आधा बचा उसमें से आधा सुमित्रा जी को दे दिया, और फिर जो बचा उसका दो हिस्सा किया, एक हिस्सा केकई जी को दे दिया और एक हिस्सा जो बचा अंत में वो सुमित्रा जी को फिर दे दिया। सुमित्रा जी को दो बार दिया, एक बार पहले दिया और एक बार दोबारा दिया। पहले जो पायस दिया उससे गर्भ में लक्ष्मण जी आए, दोबारा जो दिया वो उससे शत्रुघ्न जी आए। सुमित्रा को पायस देने के बाद भरत को, महारानी केकई को पायस दिया और उस पायस से गर्भ में भरत जी आए। यद्यपि भरत जी का जन्म लक्ष्मण जी से पहले हुआ, लेकिन गर्भ में जो आने का क्रम है, लक्ष्मण जी पहले गर्भ में आए, भरत जी बाद। क्यों बोले, पायस पहले सुमित्रा जी को मिला और केकई जी को बाद में मिला। इसीलिए राम जी के बाद पहला पायस किसको मिला, बोले कौशल्या जी को,
और दोबारा किसको मिला तुरंत बाद? बोले तुरंत बाद मिला सुमित्रा जी को, कौशल्या जी को जो पायस मिला उससे राम जी आए, और राम जी के बाद जो पायस सुमित्रा जी को मिला उससे लक्ष्मण जी आए, तो राम जी के बाद कौन आया? बोले राम जी के बाद लक्ष्मण आए, इसीलिए लक्ष्मण जी का नाम रामानुज हुआ, राम के अनुज, अनुमाने पश्चात जो आया। राम जी के अनुज तो भरत भी है, राम जी के अनुज शत्रुघ्न भी है, लेकिन रामानुज यह संज्ञा लक्ष्मण की ही विशेष रूप से। इस प्रकार तीनों रानियां अंतर्वत्नी हुई, भगवान गर्भ में आए, और जब से भगवान गर्भ में आए तब से अयोध्या में परम आनंद हो गया। जाति मिते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जाति मिते हरि कर वही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर सुख जुत कछुक काल चले गयो, के प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, के प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, के प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। समय बीता, तीनों रानियां अंतर्वत्नी हुई, धीरे धीरे समय बीता। कितना समय बीता? श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्ययुः। यज्ञ समाप्ति के बाद छह ऋतुएं बीत गए, पुनः बसंत ऋतु आ गई, एक वर्ष हो गया, बारहवां महीना आ गया। वाल्मीकि जी कहते हैं, ततश्च द्वादशे मासे, बारहवां महीना आ गया, चैत्रे नवमिके तिथु तिथौ, चैत्र का महीना, नौमी तिथि, मंगलवार दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्कट लग्न, ग्रहे सुकर्कटे लग्ने, वाक्पता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। भगवान के प्रकट होने की वो मंगलमयी वेला आ गई। सर्वलोक नमस्कृतम, सर्वलोक माने समस्त लोकों के अधिपति देवताओं ने आकर के, उन लोकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन लोकपतियों ने आकर के भगवान को नमस्कार किया, भगवान की स्तुति की, और वे देवता जब स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक दोहे में इस भाव का वर्णन करते हैं, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, अखिल लोक अखिल लोक देशा। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट होते हैं, दिन के ठीक 12 बजे माँ कौशल्या के सामने अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश पुंज को देखकर माँ कौशल्या व्याकुल हो गई, आश्चर्यचकित हुई। तब तक क्या देखती हैं, उस प्रकाश पुंज के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, वनमाला पीतांबर विभूषित भगवान नारायण माँ कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। पै प्रकट कृपाला दीन दयाला, ये आयो रे
कौशल्या के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान ने मैया को सब कथा सुनाई, आपने हमें पुत्र रूप में चाहा इसलिए हम पुत्र बन करके आए, ये सब कथा बताई। मैया ने कहा पुत्र बन करके आए हो तो पुत्र जैसे बन जाओ, बाप जैसे दिख रहे हो, कौन माने कि आप बेटा हो। तो भगवान मां के कहने पर बालक बन गए। मैया ने कहा कि की जय शिशु लीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा। और इसके लिए आपको अपने इस रूप का त्याग करना पड़ेगा, तजहु तात यह रूपा, ये रूप आप त्याग दो और बालक बन जाओ। भगवान मैया के वचन को सुनकर के बालक बन गए, और बालक बन करके जैसे बालक रोता है उसी प्रकार भगवान रोने लगे जोर जोर से। सुनी बचन सुजाना रोदन आना, मैया के बचनों को सुनकर भगवान बालक बन गए और रोने लगे। और जब रोने लगे तो अब सबने सुना, इसके पहले ठाकुर जी ने जो जो कुछ कहा वो केवल मैया ने सुना और किसी ने नहीं सुना। कथा सुनाते रहे, बताते रहे, सारी बातें हो गई, लेकिन इसके बाद भगवान बालक बन करके जब रोने लगे तो रोने की आवाज पूरे महल में गूंज गई। महाराज सुन सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, सुन सी सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलिया संभ्रम चलिया हरि सीत जयत आ गई। दास दासी दौड़ पड़े
और श्री दशरथ जी महाराज को जब पता चला, दासियों ने जाकर के बताया, महाराज की जय हो, महारानी कौशल्या ने सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दशरथ पुत्र जन्म दर्शन किया, जात कर्म संस्कार संपन्न कराया। तब तक गायक गुणी आ गए। दशरथ जी ने सबको बुलाया, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावो बाजा। अब तो बाजे बजने लगे महाराज, और सब लोग बधाई गाने लगे, आनंद में उन्मत्त होकर सब नृत्य करने लगे, और दशरथ जी महाराज को, महारानी कौशल्या को पुत्र जन्म की बधाई देने लगे। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे 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 आनंद छायो अयोध्या नगरी में, हरे हरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, नगरी में लाला नगरी में, नगरी में लाला नगरी में, नगरी में भैया नगरी में, नगरी में भैया नगरी में, अरे घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। I'm not afraid of the dark.
को बनो बनाई के रूप भरत को बनो बनाई के रूप भरत को बनो बनाई के रूप भरत को Thank you.
श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय।